आज आप देख रहे हो कि कलयुग में इंसान इंसान को काट रहा है, इंसान इंसान का दुश्मन बन रहा है। किसके पीछे? जिसको हम मानते हैं उसके पीछे लड़ रहा है। प्यारे सब धर्म को मानते तो हैं कि हम उस धर्म के हैं, उस धर्म के हैं, लेकिन धर्म क्या है वो पढ़ते नहीं हैं। और कहते हैं जो धर्म पढ़ते हैं वो धर्म के लिए लड़ते नहीं हैं। आज टीवी में, अखबार में, समाचार में आप देख रहे हो बांग्लादेश में क्या हाल हो रहा है। ये जो हम सनातन धर्म को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि सनातन धर्म बचा रहे, लेकिन आज ये धर्म नीचे गिरता जा रहा है। क्यों? क्योंकि धर्म के राह पर बहुत कम लोग चल रहे हैं, और जो चल रहे हैं उसे लोग चलने नहीं दे रहे, तो उसका मजाक उड़ाते हैं, अपमान करते हैं। यहां तक कि कई जगह तो धर्म का स्थान अर्थात मंदिर भी तोड़े जा रहे हैं, पुजारियों का अपमान किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि सब अपने धर्म को ऊंचा बना रहे हैं। इसीलिए प्यारे भोले बाबा कहते हैं ईश्वर एक है। सीढ़ियां चाहे कितनी भी हों लेकिन छत तो सबकी एक होती है। किसी को भी मानो लेकिन मालिक सबका एक ही है। इसलिए परमात्मा ने तुम्हें इंसान बना के भेजा है, लेकिन यहां पर हम जातियों में बट गए हैं और उसी के पीछे लड़ रहे हैं। और मेरे बाबा भोलेनाथ के आगे सब बराबर हैं कि तुम कितना ही लड़ लो, आखिर में आना तो मेरे पास ही है। इसलिए प्यारे संत महात्मा कथा के द्वारा तुम्हें बार बार समझाते हैं और यही कहते हैं कि तुम मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन प्यारे सनातन धर्म को मत भूलो। क्या कि कोई मंदिर जा रहा है, कोई गुरुद्वारे जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, लेकिन उसके पीछे लड़ रहे हैं, और वो एक चीज भूल बैठे। क्या? मंदिर हो चाहे मस्जिद कोई, चर्च हो या गुरुद्वारा, मंदिर हो चाहे मस्जिद कोई, चर्च हो या गुरुद्वारा, मंदिर हो चाहे मस्जिद कोई, चर्च हो या गुरुद्वारा, मंदिर हो चाहे मस्जिद कोई, चर्च हो या गुरुद्वारा, परम पिता तू एक है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा, परम पिता तो एक है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा, मंदिर हो चाहे मस्जिद कोई, चर्च हो या गुरुद्वारा, मंदिर हो चाहे मस्जिद कोई, चर्च हो या गुरुद्वारा, परम पिता तो एक है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा, परम पिता तो एक है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। और प्यारे आज का इंसान हर चीज बांट रहा है, जमीन बांट दी, यहां तक कि धर्म भी बटे जा रहे हैं। कोई अपना धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में जा रहा है। क्या? धरती बट गई, धर्म बट गया, बांट ली अपनी भाषा, धरती
बाटली बट गई, धर्म बट गया बाटली अपनी भाषा। धरती बट गई, धर्म बट गया बाटली अपनी भाषा। धरती बट गई, धर्म बट गया बाटली अपनी भाषा। बाट लिए भगवान भी अपने, सोचा नहीं जरा सा। बाट लिए भगवान भी अपने, सोचा नहीं जरा सा। हिम्मत है तो करके दिखाओ, हिम्मत है तो करके दिखाओ, हिम्मत है तो करके दिखाओ, हिम्मत है तो करके दिखाओ। इसका बंटवारा परम पिता तो एक है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। परम पिता तो एक है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। कोई कहते हैं हम मस्जिद के अंदर बैठे हैं, कोई कहते हैं गुरुद्वारे की छत के नीचे बैठे हैं, कोई कहते हैं मंदिर की छत के नीचे बैठे हैं, लेकिन वो एक चीज भूल गए हैं जहां सब बैठे हैं। कहां? नील गगन तो एक है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। नील गगन तो एक है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। सब कहते हैं ये चार भाई बड़े फेमस हैं, कौन? हिंदू, मुस्लिम, सिख और ये चारों को भाई कहा जाता है। लेकिन ईमानदारी से बताओ, क्या आपस में भाई मिले? सिवाय लड़ाई के अलावा कुछ नहीं करते। क्यों? बदल गए हम चारों भाई, तेवर बदले बदले। बदल गए हम चारों भाई, केवल बदले बदले। बदल गए हम चारों भाई, तेवर बदले बदले। बदल गए हम चारों भाई, केवल बदले बदले। दिल बदले बदले की आग में गिन गिन लेते बदले। दिल बदले बदले की आग में गिन गिन लेते बदले। बदल नहीं सकते हो जग में, बदल नहीं सकते हो जग में, बदल नहीं सकते हो जग में, बदल नहीं सकते हो जग में। ये चैलेंज हमारा परम पिता तो एक है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। परम पिता तो एक है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। और क्या नहीं बदल सकते कि चाहे कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी जाति का हो, चाहे कितने ही लड़ाई करें, सब कुछ बदल सकते हैं, लेकिन एक चीज बिल्कुल नहीं बदल सकते। क्या? खून का रंग तो एक है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। खून का रंग तो एक है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। अरे खून का रंग तो एक है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। खून का रंग तो एक है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। मंदिर हो चाहे मस्जिद कोई, चर्च हो या गुरुद्वारा। मंदिर हो चाहे मस्जिद कोई, चर्च हो या गुरुद्वारा। परम पिता तो एक है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। परम पिता तो एक है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। ॐ नमः शिवाय, हरि ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय, हरि ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय, हरि ॐ नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय 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 ओम बोली शंकर भगवान की जय। ओम शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः पार्वती पते हरि हरि महादेव। जोर से बोला जाए ओम नमः शिवाय। जोर से बोला जाए ओम नमः शिवाय। और कल हमने बहुत ही सुंदर श्री शिव महापुराण की महिमा जानी कि श्री शिव महापुराण असल में क्या है। ये कोई ग्रंथ, कोई पुस्तक, कोई वेद नहीं है। ये साक्षात भगवान शिव का स्वरूप है। ये सोच के मत आना कि हम केवल कथा सुनने के लिए आए हैं। ये भाव लेकर आना कि हम साक्षात भूत भावन भूतेश्वर काशी विश्वनाथ त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर के दर्शन के लिए आए, क्योंकि श्री शिव महापुराण का एक एक शब्द उनका दर्शन देता है। बशर्ते आपके भाव तो हों भोले बाबा को देखने के लिए, दर्शन के लिए, कि वो तो साक्षात आपके सामने हैं। बातें ना करें आपस में। कि वो साक्षात आपके सामने हैं लेकिन दिखाई नहीं देते। क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि अभी आपके और भोले बाबा के बीच में एक दीवार है, जिसके कारण आपको साक्षात सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देते। और वो दीवार है अहंकार की, अभिमान की। और अहंकार के दो पुत्र, मैं और मेरा। जब तक इंसान के अंदर ये मैं और मेरे की भावना रहेगी, तब तक भोले बाबा सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देंगे। और ये सत्य है, भूलोक में हर कंकर में शंकर है। विश्वास तो हो देखने के लिए। कहते मन में विश्वास हो तो पत्थर में भी भोले बाबा दिख जाएंगे, और विश्वास ना हो तो डमरू बजाते हुए भी सामने आ जाएंगे, तो प्यारे पहचान नहीं पाओगे। इसीलिए सबसे पहले मन में विश्वास होना जरूरी है। जिस कथा में आप प्रवेश कर रहे हो, सबसे पहले उस कथा में विश्वास होना चाहिए। क्योंकि मन में विश्वास होता है तभी दवाई काम करती है। कथा में कहते हैं ना कि अगर डॉक्टर पे विश्वास ना हो तो फिर वो कितने भी बढ़िया दवाई दे दे आराम नहीं आएगा। कहते ना हर एक के डॉक्टर अलग अलग हैं, मुझे तो गुप्ता जी की दवाई लगती है,
मुझे तो त्रिपाठी की दवाई लगती है। वो गुप्ता जी, त्रिपाठी की दवाई नहीं लगती, तुम्हारे मन में जो विश्वास है उसके कारण आपको आराम आता है। इसी प्रकार जब कथा में विश्वास होता है कि हे भोले बाबा, मैं जीवन भर संसार का बना रहा, जीवन भर घर परिवार का बना रहा, लेकिन 7 दिन मैं तेरा बन के रहूंगा, तो विश्वास माना, इन 7 दिनों में किसी ना किसी रूप में भोले बाबा आपको दर्शन अवश्य देंगे। जरूरी नहीं कि वो पीताम्बर ओढ़े आए, जरूरी नहीं कि वो डमरू हाथ में लेके आए, वो कब आते हैं, जब कोई तुम्हारे साथ नहीं आता, जब कोई तुम्हारा साथ नहीं देता, उस समय मेरे भोले बाबा कहते हैं तू चिंता मत कर, अरे तूने एक समय भी अगर मेरा नाम ले लिया तो मैं उस समय साथ दूंगा जिस समय तेरा कोई साथ नहीं देगा। इसीलिए प्यारे, अपने समय का और अपने श्वासों का हमेशा सदुपयोग करो। इसे शिव नाम में हमेशा लगाए रखो। आज इंसान इतना व्यस्त है, जिससे पूछो वो यही कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। कई लोग कहते हैं महाराज हम कथा में आ तो जाएं, लेकिन क्या करें, हमारा काम इतना है, व्यापार इतना है, घर के काम इतने हैं, रिश्तेदारी इतनी है कि चाहकर भी कथा में आ नहीं सकते। प्यारे, बहाने तो बहुत हैं कि काम बहुत है, व्यस्त हैं, लेकिन ये भी समझ लेना कि अभी तुम्हारे सिर पे पाप हैं जो तुम्हें कथा में आने ही नहीं दे रहे। ये तो बहाने होते हैं बहुत। ये समस्याएं क्यों आती हैं, क्योंकि अभी तुम्हारे प्रारब्ध के कर्म जगे नहीं हैं। ये पाप तुम्हें कथा में आने ही नहीं देते। कितने भी पास में रहते हो, यहां कथा हो रही है और यहां पर हम एयर कंडीशन में बैठे हैं कि गर्मी में कौन बैठे, उन्हें एयर कंडीशन अच्छा लगता है, उन्हें डनलप के गद्दे अच्छे लगते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोच रहे कि तुम पर मेरे प्रभु की कृपा नहीं हो रही। और जिस पर मेरे गोविंद की, भोले बाबा की कृपा हो जाती है, फिर चाहे प्यारे वो कितने ही दूर रहे, एक बार उसे पता लगना चाहिए कि श्रावण के महीने में बाबा भोलेनाथ श्री शिव महापुराण के रूप में हमसे मिलने आए हैं। तो विश्वास मानो, जब उसके कदम कथा की ओर बढ़ने लग जाते हैं तो समझ लेना मेरे भोले बाबा की कृपा अपने आप उस पे हो जाती है। तो अपने आप को धन्य मानो कि आपको ये सौभाग्य मिल रहा है कि आप अपना समय और अपनी श्वास भोले बाबा को अर्पित कर रहे हैं, कि हमारे पास और कुछ नहीं है, जो आपने दिया है वही हम आपको दे रहे हैं। प्यारे, ये समय और श्वास भगवान ने निशुल्क दे रखी है, लेकिन इसकी कीमत कोई समझता नहीं है, और इन दोनों की कीमत कब पता चलती है, जब अंत समय आता है। जब किसी का अंत समय आता है और वेंटिलेटर की मशीन होती है ना, जिसमें वो ऐसे ऐसे चलती है स्क्रीन पे, और जिस समय वो ऐसी चलनी हो जाए तो क्या होगा, उस समय वो एक एक पल एक एक क्षण कीमती होता है। उस समय संसार से कनेक्शन हट जाता है, केवल भोले बाबा से कनेक्शन रहता है। उस समय उसके किए हुए प्रारब्ध के कर्म उसे दिखते हैं, वो रिश्तेदारी संसार को पहचान नहीं पाता, उसके सामने सिर्फ उसके कर्म नजर आते हैं कि मैंने झूठ बोल के, बेईमानी करके, कष्ट पहुंचा के इतनी धन दौलत इकट्ठी करी, किसके लिए, अपने घर परिवार के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने भाई बंधुओं के लिए, लेकिन आज मेरा साथ कोई नहीं है। कोई होता है इन समय में साथ,
कितने भी माया जोड़ लो, कितने भी धन कमा लो, कितने भी कहो कि मैंने बच्चों के लिए प्लाट बना दिए, झूठ बोला, बेईमानी करी, लेकिन उसका भुगतान तुम्हें अकेले ही करना पड़ेगा। उस समय धर्मराज से तुम कहकर देखो कि हे धर्मराज, मेरी सारी धन दौलत ले लो, मेरे सारे मकान दुकान ले लो और मुझे एक सेकंड उधार दे दो, जीने के लिए एक सेकंड उधार दे दो, क्या मिलेगा? उस समय पता चलता है कि एक सेकंड का भी कितना महत्व होता है, कि सारी धन दौलत भी कम पड़ जाती है फिर भी तुम्हें एक सेकंड नहीं मिलता। फिर वो कहता है कि मेरी सब कुछ ले लो लेकिन एक श्वास उधार दे दो। धर्मराज कहता है अब सब बेकार है, भोले बाबा ने तुझे सब कुछ दिया लेकिन तूने उसकी कदर नहीं करी, व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के कामों में अपने समय को भी नष्ट किया और अपने श्वासों को भी नष्ट किया। तुझे बहुत समय मिला था भगवान का नाम लेने का, उस समय तूने कहा कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास इतना काम है कि भगवान का नाम लेने का समय नहीं है। तो विश्वास मानो, वो अपने सबसे बड़े धन को व्यर्थ कर रहा है, क्योंकि धन एक बार चला गया तो हो सकता है दोबारा आ भी जाए, लेकिन ये संत समागम का जो समय है ना, एक बार निकल जाता है ना तो करोड़ों रुपए खर्च कर दो तो भी ये दोबारा आने वाला नहीं है, क्योंकि ना जाने कितने सत्कर्मों के पुण्य जागृत हुए हैं तब जाके तुम्हें ये संत समागम शिव महापुराण का समय मिला है, दो घड़ी बैठ के शिव नाम लेने का। और इस समय को भी तुमने अगर व्यर्थ में जाने दिया, हल्के में लिया, तो विश्वास मानो संसार के 84 के चक्कर में फंसे रहोगे। ये शिव कथा क्या करती है, क्या फल मिलता है शिव कथा सुनने से? हम क्या करने आए हैं संसार में? कल बताया था ना, दो कार्य करने आए हैं, या तो शिव का नाम लेके जीवन को तार लो, शिव की सेवा करके जीवन को तार लो, या अपने किए हुए प्रारब्ध के कर्मों को भोगो। इसीलिए हम बार बार कहते हैं, प्यारे, अगर परमात्मा ने, भोले बाबा ने तुम्हें समय दिया है तो उसमें से कुछ समय, जिसने तुम्हें सब कुछ दिया है उसके लिए भी निकाल लो, क्योंकि आज की हुई सेवा, आज की श्रवण की हुई कथा तुम्हारा प्रारब्ध बनती है, जिसका फल सुख के रूप में तुम्हें अवश्य मिलेगा। सुख ये नहीं कि तुम्हारी लॉटरी लग जाएगी, तुम्हें प्लॉट मिल जाएंगे, कोई प्रॉपर्टी मिल जाएगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। क्या सुख मिलेगा? तुम्हारे मन को शांति मिलेगी, क्योंकि आजकल इंसान के पास सब कुछ है लेकिन मन में शांति नहीं है। कथा में कहते हैं ना, गले में मोटी मोटी चैन तो होती है लेकिन मन में चैन नहीं होता, एयर कंडीशन दलप के गद्दे होते हैं लेकिन रातों को नींद नहीं आती, क्योंकि मन बेचैन है। ये कथा क्या करती है? सबसे पहले तुम्हारे मन को शांत करती है, तुम्हारे मन में से विषय विकार निकालती है, और जिस समय तुम्हारे अंदर से विषय विकार निकल जाएंगे तो प्यारे, तुम्हारा मन अपने आप परमात्मा में लगना चालू हो जाएगा। इसीलिए कथा को ध्यान से सुनो, और ये आरती भी कहती है क्या, जो ध्यावे फल पावे दुख दिन से मन का, स्वामी दुख दिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख आनंद घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। इसीलिए कथा को ध्यान से सुनो, जो सुनता है कथा उसकी मिटती है व्यथा,
इस संसार को सुनाते सुनाते थक जाओगे, कोई तुम्हारी सुनेगा नहीं। ये संसार बड़ा विचित्र है। तुम सोचते हो कि हमारी दुख सुनकर हमारे जख्मों पे मरहम लगाएगा, लेकिन प्यारे ये संसार कैसा है, तुम्हारे दुखों को सुनेगा तो सही, लेकिन जग हंसाई करने में देर नहीं लगाएगा। ये संसार कैसा है, अपने दुख से दुखी नहीं है, अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से ज्यादा परेशान है। इसीलिए अपने दुख संसार को मत बताओ। एक बार कथा में आके हाथ जोड़ के भोले बाबा के चरण में आओ, तो कि भोले बाबा मैं पतित हूं, अज्ञानी हूं, पापी हूं, जैसा भी हूं, लेकिन तेरा हूं, तेरी शरण में आ गया हूं। बच्चे चाहे कितने ही गलती करते हैं, लेकिन माता पिता उसे कभी अपने से दूर नहीं करते, उसे सुधारने की कोशिश करते हैं। ऐसी ही कथा भी करती है कि जो एक बार कथा में आ जाता है, उसके जन्म जन्मांतर के किए हुए पाप, चाहे जानबूझ के हों या अनजाने हों, मेरे भोले बाबा उसे दूर कर देता है और तुम्हें तराशता है। देखो, हर एक के अंदर एक शक्ति होती है, लेकिन उसे अपनी शक्ति नहीं पता जब तक वो किसी जोहरी के पास नहीं जाता। क्या हीरे को पता है कि मैं इतना कीमती हूं? हीरा क्या है? एक पत्थर ही तो है। उसे अपनी कीमत नहीं पता। खान के अंदर ना जाने हजारों लाखों वर्ष तक ऐसे ही दबा पड़ा था, किसने उसको तोड़ा, तब भी वो पत्थर का पत्थर। लेकिन प्यारे, जब तक उसे जौहरी नहीं मिला, जौहरी ने क्या किया, उस पत्थर को तराशा और तराश के उसका ऐसा आकार बना दिया प्यारे, जिसकी कोई कीमत नहीं थी, वो लाखों करोड़ों का बन गया। ऐसे ही आप भी हीरा हो, लेकिन जौहरी के पास नहीं जाते। जौहरी कौन है? ये संत महात्मा है, जो तुम्हारे अंदर को मैल को निकालकर तुम्हें तराशते हैं, प्रभु की भक्ति का रंग चढ़ाते हैं। और प्यारे, जब भक्ति का रंग चढ़ जाता है तो प्यारे वो कांच से हीरा कब बन जाता है पता नहीं चलता। फिर उसे संसार की मोहमाया नहीं भाती, उसे तो केवल शिव कथा भाती है, शिव की भक्ति भाती है। और प्यारे, जिसके अंदर भक्ति की धारा प्रवाह कर जाती है, क्योंकि कल हमने आपको बताया था कि भगवान को कौन प्रिय है, जो नियम का पक्का है। ये मत सोचो कि हम बढ़िया कपड़े पहन के आएंगे तो भोले बाबा खुश होंगे, गहने पहन के आएंगे, मोटी मोटी चैन पहन के आएंगे तो भोले बाबा खुश होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। आपने एक कथा सुनी होगी जिसका भजन भी है कि एक शिव मंदिर में एक भक्त रोज फूल चढ़ाने के लिए आता था, और एक भक्त कुछ ना कुछ उठाने के लिए आता था। कभी मंदिर में से दीपक चुरा लिए, क्योंकि जिसकी आदत है, जिसका स्वभाव है, वो वैसे ही रहेगा, जो मंदिर में मिलता उठा के ले जाता। अब पंडित जी ढूंढते रहते, दोनों का रोज का नियम। एक दिन बारिश आई, आंधी आई, तूफान आया, जो रोज फूल चढ़ाता था उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, आज बारिश ज्यादा है, कल चले जाएंगे। लेकिन जो वो चोर था ना, उसने सोचा आज तो बारिश आई है, आंधी आई है,
आज तो मंदिर में कम लोग आएंगे, मेरा दाव अच्छा लगेगा। वो उस चोर ने अपना नियम नहीं तोड़ा, मंदिर में चला गया कि आज तो मोटा हाथ लगेगा सामान। अब तक तो उसकी नजर नीचे थी छोटी छोटी चीजों पर, जब देखा मंदिर में कोई नहीं है, अब जैसे उसने ऊपर सिर उठाया तो क्या देखा, सोने का घंटा था। लेकिन आसपास सीढ़ी भी नहीं थी जो चढ़ के उतार ले। उसने क्या किया, नीचे शिवलिंग था ऊपर घंटा था, शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ के घंटा उतारने लगा। और प्यारे जैसे शिवलिंग के ऊपर चढ़कर घंटा उतारने लगा, उसी समय शिवलिंग में से भोले बाबा प्रकट हो गए कि भक्त मैं तेरे नियम से बड़ा खुश हुआ। बोले कौन सा नियम? बोले जो नियम से मेरे पास आता है, जैसे कथा 7 दिन चलती है ना, जीवन भर तुम संसार के बने रहो कि लेकिन नियम बना लो कि हे भोले बाबा ये 7 दिन हम आपके बन के रहेंगे। एक घड़ी आधी घड़ी आधी घड़ी में पुनियाद, कि जरूरी नहीं कि तुम्हें 3 घंटे बैठना है। अरे तुमने अगर 1 घंटा आधा घंटा 10 मिनट भी भोले बाबा की कथा में बैठकर दर्शन कर लिए, वैसे जरूरी नहीं कि तुम्हें 7 दिन की कथा समझ में आए। कई तो यहां बैठकर भी नहीं बैठते, क्योंकि बैठे तो यहां हैं लेकिन मन कहीं और है, तो ऐसे बैठने का भी कोई फायदा नहीं। अगर कथा में आओ तो कथा के बन जाओ, कथा में आओ तो भोले बाबा के बन जाओ। बोले जो फूल चढ़ाने आता था वो आज घबरा कर नहीं आया, क्योंकि बारिश आ रही थी, आंधी तूफान आ रहे थे, लेकिन तू नियम का पक्का है इसलिए मैं तुझ पर प्रसन्न हूं। और एक उससे ज्यादा प्रसन्न किस लिए हूं कि लोग मुझ पर फूल चढ़ाते हैं, द्रव्य चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, लेकिन आज पहली बार मैंने देखा कि तूने खुद को ही चढ़ा दिया। शिवलिंग पर खड़ा हुआ अर्थात खुद को ही चढ़ा दिया। अब तो प्यारे वो जो चोर था उसकी आंखों में आंसू आ गए कि भोले बाबा कितने करुणामयी वत्सल हैं, कितने दयालु हैं, कि वो केवल भाव देखते हैं कि मेरा भाव तो चुराने का था, लेकिन गलती से भी मैंने पांव भी रखा उस पर भी बाबा प्रसन्न हो गए। ये आपको सिखा रहे हैं कि जो आदमी नेगेटिव में भी पॉजिटिव सोचता है, मेरे साथ ऐसा क्या हो गया, जरा सी कोई अपशगुन हो जाता है तो आदमी घबरा जाता है, जरा सा कोई गलत काम हो जाता है तो क्रोध में आ जाता है, लेकिन भोले बाबा सिखा रहे हैं कि प्यारे कोई तुम्हारे साथ अगर थोड़ा गलत भी करे तो भी मुस्कुराना मत छोड़ना, उसमें भी प्रसन्न रहना, तो समझ लेना भोले बाबा सदा तुम्हारे साथ हैं। अरे एक बार तो प्रजापति दक्ष जो भोले बाबा के ससुर जी थे, जो भोले बाबा से द्वेष करते थे हमेशा, एक बार सभी देवी देवताओं की सभा लगी थी और उसी सभा में प्रजापति दक्ष का आगमन हुआ। सभी देवी देवता अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए, लेकिन भोले बाबा अपने समाधि में ध्यान में मगन थे, भोले बाबा अपने स्थान से नहीं उठे। और प्रजापति दक्ष को लगा कि इस शंकर ने मेरा अपमान कर दिया। उसी समय प्रजापति दक्ष ने भोले बाबा को ना जाने कितने अपशब्द कहे कि तू शमशानवासी बन जा, तुझे ये हो जाए वो हो जाए, ना जाने कितने बोले। अब जैसे ही उसे शमशानवासी का नाम दिया कि तुझे शमशान में वास हो, तो प्यारे भोले बाबा जोर जोर से नाचने लगे। कोई किसी को ऐसा बोले तो नाचेगा, लेकिन भोले बाबा उस पर भी झूम झूम के नाचने लगे कि भगवान ऐसा ससुर सबको दे, भगवान ऐसा ससुर सबको दे। बोले कैसे?
बोले मुझे प्लॉट भी वहां दिया जहां कोई कब्जा ही नहीं कर सकता, प्लॉट भी वहीं दे रहे हैं जहां पे कोई कब्जा नहीं कर सकता मुझे। ध्यान देना कि एक बार भोले बाबा से किसी ने पूछा कि बैकुंठ के देवता विष्णु जी हैं, इंद्रलोक के देवता इंद्र हैं, और सभी लोगों के अलग अलग देवता हैं, लेकिन आपको धरती पर क्यों कर दिया, भूलोक के देवता बना दिया, और कोई कृष्ण को मानता है, कोई बालाजी को मानता है, कोई किस देवता को मानता है, लेकिन आपको तो पृथ्वी लोक में डाल दिया। इस पर भी भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। देखो हर चीज में जो प्रसन्न रहना जानता है वही शिव स्वरूप है। हम बार बार कहते हैं अपने चेहरे से प्रसन्नता कभी समाप्त मत होने देना। आजकल सबके चेहरे उदासीन हैं। कभी किसी को हंसते हुए देखा आपने? सुबह घर से भी निकलते हैं तो टेंशन में निकलते हैं, घर में भी देखो तो टेंशन भरी पड़ी है। क्यों? क्योंकि संसार को अपना बना के बैठे हैं। उसने मुझे ऐसा कह दिया, मुझे उसने ऐसा कह दिया, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। इसीलिए हम आपसे बार बार कहते हैं कि जो सदा प्रसन्न रहता है, समय चाहे कैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, प्रसन्नता मत छोड़ना। देखो दो चीजें हमने पहले कथा में भी बताई थी कि शिव तो आप क्या कहते हो, आधे जने तो यही कहते हैं बस काट रहे हैं। प्यारे जीवन काटने की चीज नहीं है, इतना कीमती तुम्हें ये मानव का चोला मिला है। 84 लाख योनियों के चक्कर काटने के बाद में तुम्हें ये मानव का चोला मिला है, ये काटने के लिए नहीं है जीवन को। दो चीजें याद रखना, हमेशा प्रसन्न रहोगे, एक सुख में फूलना मत और दूसरा दुख में रोना मत। लेकिन इंसान उल्टा करता है, सुख में तो सोचता है कि मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं, जरा से थोड़े से नोट आने चालू हो गए, थोड़े से प्लाट बनने चालू हो गए, क्या कहता है, बहन बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। और जरा सा दुख आता है तो प्यारे रोना धोना चालू हो जाता है कि मेरे से ज्यादा दुखी तो कोई है ही नहीं। अब तुम्हें दो चीजें बताने जा रहे हैं, दोनों समय में तुम हमेशा प्रसन्न रहोगे। अगर तुम्हारे पास सुख साधन है, तुम्हारे घर में प्रेम भाव का वातावरण है, क्योंकि सुख साधन में इंसान के घर में आनंद नहीं होता। हमने बहुत देखे हैं एयर कंडीशन, दनलप्पे गद्दे, बड़ी बड़ी गाड़ियां, फिर भी घर में कलेश रहता है, क्योंकि सुख साधन में आनंद नहीं है। सच्चा आनंद कहां है? अरे तुम्हारे घर में 5 लाख की डाइनिंग टेबल हो और कोई बैठने वाला उसमें ना हो तो वो डाइनिंग टेबल बेकार है, उसमें आनंद नहीं है। छोटा सा मकान हो, एक चटाई हो और उसमें सारे बच्चे बैठकर हंसते खेलते खाते हैं ना, समझ लेना उस घर में भोले बाबा का निवास होता है, सबसे बड़ा धनवान होता है वो। अगर तुम्हारे घर में प्रेम भाव है, तुम्हारे घर में बड़े बूढ़ों का आदर सम्मान है, तुम्हारे घर में संत महात्मा का आना जाना है, और फिर कोई और तुम्हारे बच्चे संस्कारी हैं, तुम्हारा कहना मानते हैं, तो कोई तुमसे पूछे क्या हाल है तो यही कहना भोले बाबा की कृपा है। क्या हाल है, क्या हाल है, भोले बाबा की कृपा है। अगर तुम्हारे घर में ये सब है और थोड़ा बहुत दुख भी आ जाए तो घबराना मत। ये दुख क्या है और सुख क्या है,
प्यारे ये सुख दुख भगवान ने नहीं दिया, भोले बाबा ने नहीं दिया, ये तुम्हारे कर्मों का फल है। जैसा तुम बीज बोओगे प्यारे वैसा फल तुम्हें मिलेगा। आपने देखे होंगे जो भगवान की ज्यादा पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, उतने ज्यादा दुखी भी रहते हैं। और कई जगह आपने ऐसा भी देखा होगा जो भगवान की बिल्कुल पूजा नहीं करते, बिल्कुल सेवा नहीं करते, कोई दान पुण्य नहीं करते, फिर भी उनकी बल्ले बल्ले हो रही है। क्यों? क्योंकि प्यारे उनके प्रारब्ध के कर्मों का फल उन्हें मिल रहा है। जैसा बीज बोगे वैसा फल काटोगे। क्योंकि दुख नहीं आता तो सुख का पता नहीं चलता, बुराई नहीं होती तो अच्छाई का पता नहीं लगता। इसलिए अगर थोड़ा बहुत दुख भी है ना और कोई तुमसे पूछे क्या हाल है, तो यही कहना है भोले बाबा की इच्छा है। सुख आए तो भोले बाबा की कृपा, और दुख आए तो भोले बाबा की इच्छा। लेकिन प्रसन्नता दोनों में मत छोड़ना। सुख आए तो भी खुश रहो, क्योंकि जब दुख आता है समझ ले तुम्हारे प्रारब्ध के कर्म कट रहे हैं, और सुख आए तो समझ तुम्हारे अच्छे प्रारब्ध आरंभ होने जा रहे हैं। इसीलिए प्यारे ये जो आप कथा सुन रहे हैं ये भी आपके प्रारब्ध के सेवा का ही फल है, जो तुम्हें कथा सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। इस कथा को सुनकर किस किस का उद्धार हुआ, बड़े ध्यान से सुनना कि इंसान तो इंसान प्यारे जो जीव जंतु होते हैं ना, जो किसी ना किसी रूप में कीड़े मकोड़े के रूप में, छिपकली के रूप में, या कई कई तो कथाओं में कई गौ माता भी आती हैं, कई और भी कई पशु पक्षी आते हैं, ये किसी ना किसी रूप में अपने उद्धार के लिए आते हैं। और प्यारे कि जैसे कथा को सुनकर धुंधकारी जैसे प्रेत की भी मुक्ति हो गई, जीवन में उसने कभी कोई सत्कर्म नहीं किया, अपने माता पिता को प्रताड़ित किया, कष्ट पहुंचाया, जिसके कारण उसे प्रेत योनि मिली, और प्रेत योनि मिलने के बाद में जब उसने अपने उद्धार के लिए अपने आप को तारने के लिए हरि की शरण प्राप्त करी, अर्थात भागवत कथा में आकर बैठा, तो प्यारे वो धुंधकारी रूपी प्रेत की भी मुक्ति हो गई। ऐसे ही एक ब्राह्मण था देवराज, जो ब्राह्मण होते हुए भी ब्राह्मण जैसे कर्म नहीं थे, कुमारगी बन गया, पापी बन गया, अत्याचारी बन गया, मदिरा पान करने लगा। कि प्यारे कभी कभी ब्राह्मण के घर राक्षस का भी जन्म हो जाता है, और कभी कभी राक्षस के घर में भगवान के भक्त का भी जन्म हो जाता है, ये उसके कर्म के ऊपर होता है। तो देवराज जो कुमारगी होकर एक वैश्या के चक्कर में पड़ गया, कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। बुद्धि जब खराब होती है तो इंसान गलत कामों में पड़ जाता है, और बुद्धि कब खराब होती है, जब वो खाली होता है। कहते हैं खाली दिमाग शैतान का। इसलिए हम कहते हैं कभी अपने आप को खाली मत बैठने दो, कोई ना कोई कार्य में व्यस्त रहो, मस्त रहो, और फिर भी तुम्हें समय मिले तो प्यारे शिव की शरण में अर्थात शिव का नाम लेने लग जाओ। और शिव नाम में इतनी शक्ति है कि एक बार जब आप भोले बाबा का पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हो तो विश्वास मानो तुम्हारे रोम रोम के अंदर शिव बस जाते हैं। तो आइए सभी मिलकर शिव पंचाक्षरी मंत्र का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय भाव से बोलेंगे सभी शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले जटाधराय ओम जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय जटाधराय ओम जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय बोलिए शंकर भगवान की जय। और प्यारे उस वैश्य के चक्कर में पड़ के देवराज जिसको कुछ दिखाई नहीं देता था सिवाय वैश्य के, कहते हैं जब बुद्धि पलट जाती है ना फिर उसे परिवार नहीं दिखता, उसे सिर्फ बुरा ही अच्छी लगती है। जो उसे समझाता था प्यारे उसका वो दुश्मन बन जाता था। कहते हैं कोई बच्चा अगर बिगड़ जाता है ना तो माता पिता का फर्ज है कि उसे राह पर लाए, लेकिन जब बच्चा धुंधकारी बन जाए तो फिर माता पिता कितने भी समझाएं वो उनकी बात नहीं मानते थे। और आज सच्चाई बताएं 80% घरों में धुंधकारी बच्चे पैदा हो रहे हैं। 20% हो सकता है प्रहलाद भी हूं, लेकिन 80% घरों में धुंधकारी बच्चे पैदा हो रहे हैं जो अपने माता पिता को ही आंख दिखाते हैं, जो अपने माता पिता को अपशब्द बोलते हैं, जो अपने माता पिता को मारते पीटते भी हैं कई। इनमें किसकी गलती है? उन बच्चों की? बिल्कुल नहीं, उनमें उन माता पिता की ही गलती है जो आज दुख पा रहे हैं कि हमारे बच्चे हमारी सुनते नहीं हैं, हमारे बच्चे हमें आंख दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि जब उनको रास्ता दिखाने का समय था, उनको कुछ देने का समय था, तो आपने उन्हें दिया नहीं। क्या दिया? धन दी, दौलत दी, सुख साधन दिए, ऐशो आराम दिए। बच्चा 10 मांगता है तो 50 देते हैं, 50 मांगता है तो 100 देते हैं, 100 मांगते हैं तो 500 देते हैं। क्यों? पैसों की कोई कमी नहीं है। जरा सी जिद करी, पिताजी मुझे तो फोन चाहिए। अब पिताजी के पास तो बटनों वाला फोन, लेकिन बच्चों को फोन कौन से चाहिए? वो क्या है, 14, 15, 16, आजकल तो ना जाने क्या क्या चल रहे हैं। अब प्यारे वो फोन लेके वही बच्चे रात को 2-2 बजे तक 3-3 बजे तक लगे रहते हैं, लेकिन उन माता पिता की हिम्मत नहीं जो बच्चों से पूछ भी ले कि क्या देख रहे हो। और प्यारे वही बच्चे जब बड़े होते हैं और वही माता पिता को दुख देते हैं। आजकल तो कितना भी कर लो बच्चों के लिए,
लेकिन बड़े होकर बच्चों का एक ही उत्तर होता है कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। उस समय इंसान सोचता है कि हाँ, इनको धुंधकारी बनाने में हमारा ही हाथ है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं बचपन में कथा अमृत के समान है, जवानी में कथा दूध घी के समान है, और बुढ़ापे में केवल पानी के समान है। अरे तुमने बचपन में अमृत नहीं पिया कोई बात नहीं, जवानी में दूध घी नहीं पिया कोई बात नहीं, लेकिन बुढ़ापे में कम से कम पानी तो पी लो, और अपने बच्चों को तो कम से कम अमृत पान कराओ। जो आजकल बच्चे भटक रहे हैं ना, उन्हें सत्संग की राह पर लगाओ। सत्संग का अर्थ होता है संतों का संग, और जिसने संतों का संग करा दिया, जिसने श्री हरि की शरण में लगा दिया, विश्वास मानो आपने अपना बुढ़ापा सुधार लिया। अब तो प्यारे जब माता पिता उसे समझाने लगे, लेकिन देवराज नहीं माना, बल्कि अपने माता पिता को आंखें दिखाने लगा, और तो और अपने माता पिता को मारने पीटने लगा, लेकिन वेश्या को नहीं छोड़ा। अब उस वेश्या के चक्कर में उसने माता पिता को ही जान से मार दिया। अब तो केवल वेश्या और देवराज। अब वो वेश्या भी देवराज का सब धन दौलत लेकर उसे भी छोड़ के चली गई। प्यारे जब शरीर में जान रहती है, इंसान इतराता है कि मेरे से ज्यादा शक्तिशाली तो कोई है नहीं। जब दौलत पास में रहती है तो कहते मेरे से ज्यादा धनवान तो कोई है ही नहीं। लेकिन प्यारे वो भूल जाता है ये सब नश्वर है। आज जो इंसान सीना तान कर चलता है ना, बुढ़ापे में सीना सिकुड़ने में भी देर नहीं लगती। हाथ में लाठी आ जाती है सहारा लेने के लिए भी कोई सहारा देने को भी तैयार नहीं रहता। अब जब देवराज वृद्ध होने लगा, शरीर साथ नहीं देने लगा, सब छोड़ के चले गए। अब देवराज को इतने रोग लग गए, इतने रोग लग गए कि उसे लग गया कि अब मेरा अंत समय आने वाला है। उसे घर बार से भी निकाल दिया। अब तो वो देवराज भूखा प्यासा घूमते घूमते वन की ओर निकल गया, और वन में क्या देखा, एक शिवालय था। उसने उसी मंदिर में उस शिवालय में शरण ले ली, और कुदरती वहां पर शिव कथा हो रही थी, श्रावण का महीना चल रहा था। अब वहां जाकर एक कोने में बैठा बैठा, और तो कोई काम था नहीं क्योंकि उस लायक ही नहीं था, शरीर साथ देना छोड़ दिया, रिश्तेदार सब साथ छोड़ के चले गए, धन दौलत भी चली गई। उसके पास केवल एक सहारा था, या तो बैठ के शिव कथा सुने। एक पेड़ के नीचे वो शिव कथा सुनता रहा, और जो भी शाम को प्रसाद मिलता उसी को अपना ग्रहण करके वो दिन गुजारता। और प्यारे जैसे श्रावण का महीना और शिव कथा विश्राम हुई, रात्रि के समय वो मंदिर में गया। भूख जोरों से लग रही थी, उसने सोचा कुछ प्रसाद और मिल जाए। जैसे वो अंदर गया, एक दीपक जल रहा था, अपने कपड़े में से कोई कपड़ा फाड़ा, थोड़ा घी में भरा और उजाले के लिए और उसको दिखाने लगा, अर्थात शिवरात्रि के दिन उसे दीपदान का भी फल मिला। और प्यारे जैसे ही प्रसाद रखा था वो भोग लगाने लगा, इतने में पुजारी भी आ गए, गांव वाले इकट्ठे हुए, उसे चोर समझा, चोर समझ के उसे मारा पिटा। एक तो बीमारी, दूसरा रहा प्रारब्ध के कर्मों के कारण जो उसकी पिटाई हुई, प्यारे देवराज की मृत्यु हो गई। कितने भी कुकर्म किए, पाप किए, वैश्यागमन किया, माता पिता को मारा, लेकिन अंत समय में उसने प्राण कहां छोड़े, मंदिर में, शिवालय में। और अंत समय में उसने शिव कथा श्रवण की,
जिसके कारण उसके किए गए पाप सब नष्ट हो गए और ऊपर से विमान आ गया। जैसे धुंधकारी के लिए आया था ना भागवत कथा में, भगवान कहते हैं तू अंत समय में ही मेरा नाम ले ले तो भी तू तार जाएगा, लेकिन तुम तो ठीक ठाक नाम ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है कि ऐसा समय आने ही मत दो जिस समय हमारा कोई सहारा ना हो। प्यारे जब तुम इस काबिल हो कि तुम आ भी सकते हो, कथा श्रवण भी कर सकते हो और सेवा भी कर सकते हो, तो उसका भरपूर सदुपयोग करो। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि भगवान ने तुम्हें अगर आने की शक्ति दी है तो प्यारे कथा में जरूर आया करो, क्योंकि आज तुम आ सकते हो पर आना नहीं चाहते। आज तुम आ सकते हो पर आना नहीं चाहते, प्यारे एक दिन ऐसा भी आ सकता है तुम आना भी चाहोगे तो आ नहीं पाओगे। इसीलिए कथा में हम आपसे ये भी कहते हैं कि जब भी भोले बाबा के नाम का उच्चारण हो, क्या प्रेम से बोला जाए। हाँ हाँ, ऐसे देख रहे हैं जैसे स्टार प्लस देख रहे हो, प्रेम से बोला जाए, क्योंकि जब बोलने का उच्चारण है प्यारे खूब दम लगा के बोला करो कि कम से कम बाहर ना जाए शिवालय के मंदिर में मेरे भोले बाबा तक तो आवाज पहुंच जाए। लेकिन कई सोचते हैं कि मैं क्यों बोलूं, पड़ोसन बोल रही है ना, आज का ना बोलना तुझे कल याद आएगा, आज का ना बोलना तुझे कल याद आएगा, हो सकता है प्यारे कल तू बोलना भी चाहेगा तो बोल नहीं पाएगा। इसलिए भगवान ने तुम्हें अगर शक्ति दी है तो उसका सदुपयोग करो। सामर्थ्य अनुसार अगर तुम्हें तन मन धन की शक्ति मिली है तो उस तन मन धन का भी सदुपयोग करो। कि एक किसान और उसकी धर्मपत्नी खेती बाड़ी की सेवा किया करती थी, थोड़ा बहुत मिलता था उसको, उनका जीवन यापन हो रहा था। लेकिन किसान की जो धर्मपत्नी थी वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी कि जब भी भोजन बनाती थी, हम आपसे भी कहते हैं जब भी भोजन बनाओ गौ माता की रोटी अवश्य निकाला कर। लेकिन वो तो गौ के साथ में किस किस के निकालती थी, बड़े ध्यान से सुनना। गिनी चुनी कमाई होती थी, गिनी चुना खर्चा किया करती थी, लेकिन उसके बाद में भी जब भी भोजन बनाती थी दो रोटी निकालती थी, पहले भोले बाबा की और पार्वती की, फिर दो रोटी बनाती थी विष्णु जी की और लक्ष्मी जी की। ऐसे ही रोज का नियम था। लेकिन उनके पति देव कहते तेरी भगवान हमारे पास इतना थोड़ा है जो इतने भगवानों की तू रोटी निकालती है, और वो सारी रोटी गाय को दिया करती थी। अब धर्मपत्नी कहने लगी कि हे प्राणनाथ क्यों मना करते हो, हो सकता है ये दान देने से हमारे घर में अन्न का कार्य चल रहा हो, परिवार चल रहा हो, ये दुख सुख तो प्रारब्ध के कर्म है, लेकिन जो तुम सेवा करते हो ना उसका फल भी तुम्हें मिलता है किसी ना किसी रूप में। ये मैं भगवान की रोटी इसलिए निकालती हूं उनको भी पता लगे कि आज इनके घर में भोजन की व्यवस्था है। अब जब भोजन की व्यवस्था नहीं होगी तो ये भी तो भूखे रहेंगे, इनको पता चल जाएगा कि आज हमें रोटी नहीं मिली, तो इनको हमारी चिंता रहेगी कि इनके घर में रोटी होगी तभी हमारी रोटी निकलेगी। अब तो किसान ने कहा ये तो तूने बहुत बड़ी बात करी, और जिस समय ये आप भी समझ जाएंगे ना कभी तुम्हारे घर में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, ध्यान देना। बोले अब तो एक काम करते हैं, जितना भी हमारे पास आएगा ना उसका हम सेवा भी करेंगे, और हम आपसे भी कहते हैं कि आपकी जितनी भी कमाई हो उसका कुछ हिस्सा धर्म के कार्य में भी निकालना चाहिए, कुछ हिस्सा सेवा में भी करना चाहिए, जिससे आपका तन मन धन तीनों पवित्र हो।
और ये मैं नहीं, ये आरती भी कहती है क्या, तन मन धन सब है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा तेरा, तुझको अर्पण तेरा, तुझको समर्पण प्याला भी मेरा। ओम जय जगदीश हरे। कि प्यारे, कि तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा रे, लगेगा क्या जब हम साथ लेकर ही नहीं आए। जो कुछ भी दिया है भोले बाबा आपका ही दिया हुआ है, हम आपके दिए हुए को ही आपको दे रहे हैं। बस हम ये चाहते हैं कि जो भी हमारा है, हम जो सामर्थ अनुसार दे रहे हैं, प्रभु उसे स्वीकार करे। लेकिन इंसान क्या है कि भगवान से मांगता तो बहुत कुछ है, लेकिन जब देने पे आता है तो हाथ सिकोड़ लेता है। अक्सर लोग मंदिर में आते हैं ना, सबसे पहले क्या करते हैं, हाथ जोड़ते ही, हे प्रभु मुझे बेटा दे दे, बहू दे दे, जमीन दे दे, जायदाद दे दे, मकान दे दे, दुकान दे दे। भोले बाबा भी हंसते हैं, अरे भैया जब देखो मांगने के भाव से आते, जब देखो मांगने के भाव से आते हो, प्यारे कभी मिलने के भाव से भी आकर देख लो। सुदामा जी द्वारकाधीश के पास क्या मांगने के लिए गए थे, क्या करने गए थे, केवल मिलने के भाव से। जिस समय तुम केवल मिलने के भाव से जाओगे, स्वार्थ से जाओगे, हमेशा नुकसान पाओगे, क्योंकि जो तुम मांगोगे भोले बाबा देंगे, क्योंकि वो भोले भंडारी है। भस्मासुर भी आया था मांगने के लिए, उसे भी तथास्तु कह दिया, जिस पर हाथ रखेगा भस्म हो जाएगा। इसीलिए तो भोले भंडारी कहा गया कि जो कुछ भी मांगोगे बिना सोचे समझे दे देते हैं। अब तो जैसे ही उस किसान ने कहा ठीक है हम खूब सेवा करेंगे जैसे मेरा सामर्थ होगा, अब तो क्या हुआ, जैसा भाव बना वैसा काम हुआ। पहले तो थोड़ा थोड़ा आमदनी होती थी, अब तो भर भर के आमदनी होने लगी। अब वो अपनी धर्म पत्नी से कहते रही, भगवान एक काम कर, जितना हमारा गुजारा हो जाए उतना रख ले, बाकी सब दान में दे दे। ये हमारे प्रारब्ध बन रहे हैं, ध्यान देना, जो आप कथा सुन रहे हो, सेवा कर रहे हो। अब किसी प्रारब्ध के कारण अचानक वो किसान बीमार हो गया, बड़े ध्यान से सुनना, और ऐसी बीमारी लगी कि डॉक्टरों ने कहा कि 6 महीने तक इसे बिस्तर से भी नहीं उठना। अब तो धर्मपत्नी घबरा गई कि अब खेत कौन संभालेगा, अब धन कहां से आएगा, मेरे भोले बाबा को भोग कैसे लगेगा, ना जाने कितनी मन में विडंबनाएं आ गई। लेकिन उसने यही कहा, भोले बाबा की इच्छा है, सुख आए तो भोले की कृपा और दुख आए तो भोले की इच्छा समझ के वो उस दुख को भी स्वीकार करने लगी। अब उनके पति पलंग पे लेटे हुए हैं, ना हाथ हिलते ना पांव हिलते, अब धर्म पत्नी उनकी सेवा में ही लगी रही, सब कुछ भूल बैठी, कहां खेत है कहां कुछ है। बोले जब मैंने नहीं खाया तो भोले बाबा को क्या खिलाऊंगा। कई दिन हो गए, कई हफ्ते हो गए, जब भोले बाबा को विष्णु लक्ष्मी जी को रोटी नहीं दी, क्योंकि जब भी भोजन बनाती थी वो निकालती थी रोटी। अब सबने सोचा कि कई दिन हो गए हमें भोजन नहीं मिला उस घर से, आपस में स्वयं देखो आपके कर्मों का हिसाब ऊपर भी चर्चा होती है इसकी। अब भोले बाबा पार्वती श्री हरि नारायण भगवान और विष्णु जी आपस में बातें कर रहे हैं, अरे वो किसान की धर्म पत्नी हमें खूब सेवा करती थी, सबसे पहले गर्मा गर्म रोटी हमें देती थी,
और ये सच बात है, जो आप गौ माता की रोटी निकालते हो ना, और जब वो गौ माता उसको भोग लगाती हैं, तो प्यारे वो गौ माता के मुख में नहीं, मेरे ठाकुर जी को मेरे भोले बाबा के मुख में भोग लगता है उसका, ये विश्वास मानो। अब तो आपस में चर्चा करें कि कैसे करें, क्योंकि जब उसके घर में होगा तो ही हमें मिलेगा। अब भोले बाबा ने विष्णु जी से कहा कि विष्णु जी एक काम करो, कि वो तो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि उसको ऐसी बीमारी लग गई, हिल भी नहीं सकता, लेकिन उसका काम तो फिर हमें ही करना पड़ेगा ना। अब भोले बाबा ने कहा कि मैं किसान बनता हूं, और विष्णु जी से कहा तुम खेती में और सेवा करो। इंद्र से कहा कि तुम वर्षा करके उसको भूमि को तृप्त करना, और भी कई सेवाएं दी। प्यारे स्वयं भोले बाबा किसान बनके उस व्यक्ति के खेत में हल बो रहे हैं, खेती कर रहे हैं, बीज डाल रहे हैं। इधर किसान और धर्मपत्नी अपने कमरे में, धर्मपत्नी उसकी सेवा में लगी है। ऐसे करते करते प्यारे 4-6 महीने बीत गए, इधर फसल उनकी हरी भरी हो गई, ये लहराते हुए खेत। एक दिन सपने में धर्म पत्नी के स्वयं भोले बाबा आए, बोले अब तुम्हारे प्रारब्ध के दुख कट रहे हैं। ये जो समय आया था ना, ये तुम्हारे प्रारब्ध के दुखों का समय था, जो तुमने जाने अनजाने में कर्म किए थे, लेकिन अब तुम्हारा समय कट गया है, अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, तुम्हारा जीवन सुखमय जिएगा और तुम्हें संतान सुख भी मिलेगा। अब प्यारे वो किसान और उनकी धर्मपत्नी बूढ़े हो गए थे, संतान की कोई उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन जैसे ही धर्मपत्नी की आंख खुली, बोले महाराज मुझे तो अभी अभी भोले बाबा ने दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारे प्रारब्ध के पाप कर्म कट गए हैं और सुख का समय आने वाला है और तुम्हें संतान सुख भी मिलेगा। बोले 6 महीने हो गए हमें बिस्तर पे पड़े हुए, सुख कहां से आएगा, चलो एक बार चल के तो देखते हैं। वो धीरे धीरे जैसे ही अपने खेत में गए तो क्या देखा, खेत में फसल खूब लहरा रही है। बड़े खुश हुए, ये कैसे हुआ, तब यही धर्मपत्नी ने कहा कि जिसका सहारा भोले बाबा होते हैं। देखो सुख में तो सब सहारा देते हैं, सुख अपने बन जाते हैं सब, लेकिन प्यारे जब दुख आता है ना, उस समय केवल तुम्हारे किए हुए कर्म साथ आते हैं, जो तुमने सत्कर्म किए हैं, सेवा की हैं, और एक एक सेवा का फल मेरा भोले बाबा तुम्हें देता है। कभी घबराना नहीं चाहिए जब दुख आए, यही कहेंगे क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो भोले सुनाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शंकर सुनाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शंभु सुनाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो भोले सुनाता है। मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी भोला चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शंकर सुनाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शंभु सुनाता है। जब जब मुझ पे पड़ती है दरकार, 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 भोला हमेशा रहता है तैयार। जब जब मुझ पे पड़ती है दरकार, भोला हमेशा रहता है तैयार।
मुझ पर किया बहुत उपकार, शंभू ने मुझ पर किया बहुत उपकार, शंभू मेरे जीवन का आधार, भोले ने मुझ पर किया बहुत उपकार, शंकर मेरे जीवन का आधार। संकट आने से पहले, संकट आने से पहले, संकट आने से पहले, संकट आने से पहले तेरा आता है, क्यों घबराऊं मैं, ये शंभु मेरा तो भूलना का है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शंभु से नाता है। जब जब दुख के बादल मंडराते, 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 भोला नाम लेते ही कट जाते, जब जब दुख के बादल मंडराते, शिव नाम लेते ही छट जाते, बाल विवाह का बूंदा कर पाते, बाल विवाह का बूंदा कर पाते, शिव नाम लेते ही छट जाते, बाल विवाह का बूंदा कर पाते, शंभू नाम लेते ही छट जाते। संकट आने से पहले, संकट आने से पहले, संकट आने से पहले, संकट आने से पहले बोला आता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो भोले नाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शंकर से नाता है। मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी शंभु चलाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शंकर से नाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो भोले से नाता है, मेरा तो शंकर से नाता है। और प्यारे, जैसे ही दोनों पति पत्नी बड़े खुश हुए कि मेरे भोले बाबा की हम पर कृपा हुई, कि हम क्यों घबराएं, हमने जो सेवा करी थी आज हमें उसका फल मिल गया, कि जो उम्मीद भी नहीं थी बंजर जमीन हमारी फसल से लहरा रही है। भोले बाबा का धन्यवाद करने के लिए वो मंदिर के शिवालय में गए, जैसे ही हाथ जोड़ के भोले बाबा को प्रणाम करने लगे, इतने में मंदिर के पुजारी आए जिनके हाथ में छोटा सा बालक गोद में था, क्योंकि भोले बाबा ने कहा था कि तुम्हें पुत्र का सुख भी मिलेगा। जो उम्मीद खो चुके थे कि हमें पुत्र कैसे होगा हम बूढ़ों को, लेकिन पुजारी के हाथ में वो बालक देखा, पुजारी ने कहा ना जाने कौन ये बालक छोड़ गया, जिसके कोई बालक ना हो तो ये बालक ले लो। और प्यारे, उसी क्षण जब पुजारी ने उन दोनों को देखा, जब उनसे पूछा कि ये बालक किसका है, तो पुजारी ने यही कहा कि कोई मंदिर में छोड़ गया और मैं किसी को देना चाहता हूं जिसको जरूरत हो। प्यारे, उनका तो खुशी से ठिकाना नहीं रहा, उसने सोचा भोले बाबा ने इतनी कृपा करी, एक तरफ तो हमारे भंडार भर दिए और दूसरा हमें ये पुत्र सुख भी प्राप्त होने का समय आ गया। उन दोनों ने कहा कि हे पंडित जी, हमारे कोई संतान नहीं है, आप ही हमें संतान दे दो, हम इसका खूब पालन पोषण करेंगे और इसमें कुछ स्वार्थ हमारा भी है कि हम इसका पालन पोषण करेंगे तो बुढ़ापे में ये हमारी सेवा करेगा। और प्यारे, वो पुत्र भी मेरे भोले बाबा की कृपा का ही पात्र था। और ये हम आपसे कहते हैं कि आप जो सेवा करते हो इसका अर्थ क्या है, कि आप जो सेवा करते हो भगवान की किसी भी रूप में,
चाहे भागवत कथा के रूप में करो, चाहे शिव कथा के रूप में करो, चाहे वो तन से सेवा करो। तन से सेवा का मतलब है अपने शरीर को कथा में लाओ। अगर भगवान ने शक्ति दी है ना, तो कभी ये मत सोचना कि हमें एयर कंडीशन ज्यादा अच्छा लग रहा है, हम पंखे में क्यों बैठे। प्यारे, ये सबसे बड़ा तप होता है। जिसने ये 3 घंटे का तप कर लिया, विश्वास मानो मेरा भोला जिंदगी भर उसकी सेवा करेगा। जो तन से सेवा करता है, तन का मतलब होता है अपने शरीर को लाओ अगर भगवान ने शक्ति दी है, और मन से सेवा का मतलब होता है कि तुम मन लगाकर कथा भी सुनो। कल बताया था ना आपको, कई बहनें कथा कम सुन रही थी और पीछे मुड़ के ज्यादा देख रही थी, क्योंकि पिछली कथा में उनकी चप्पलें चोरी हो गई थी। इसलिए वो काम करो ही मत जिससे तुम्हारा मन भटके। अपने मन को शिव कथा में लगा दो, और जिसका मन शिव कथा में लग गया, समझ लेना उसका मन शिव से लग गया। और उसके बाद अगर भोले बाबा ने तुम्हें इतना सामर्थ्य दिया है कि आप धन से भी सेवा करें, विश्वास मानो भोले बाबा उसका तन मन धन तीनों पवित्र कर देते हैं। और ये सेवा आपका प्रारब्ध बन जाती है। प्रारब्ध बोले तो एफडी, एफडी का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट, जो हो सकता है उस समय ना मिले, लेकिन कब मिलती है, जब तुम्हें उसकी बहुत जरूरत होती है। ये सेवा उस समय काम आती है प्यारे, जब कुछ काम नहीं आता। आपने सुना होगा, देखा होगा, किसी के यहां पर कोई भयानक एक्सीडेंट हो जाए या किसी को भयानक बीमारी लग जाए, उस समय में भी जब वो बच जाता है तो लोग क्या कहते हैं, कुछ लिया दिया आगे आ गया, या कुछ लिया दिया काम आ गया। इसीलिए कहा जाता है प्यारे, ये सेवा उस समय काम आती है, भोले बाबा उस समय साथ देते हैं कि तूने मेरी सेवा की थी ना, तो अब तेरे को जरूरत है। तो संसार भले तेरा साथ ना दे, लेकिन तेरी की हुई सेवा की वजह से अब मैं तेरे साथ हूं। इसीलिए प्यारे, हमेशा सेवा में आगे रहो, क्योंकि जिसके हाथ सेवा में आगे रहते हैं, भोले बाबा कभी उसे मांगने वालों की लाइन में लगने नहीं देता। ऐसे एक वाशपल गांव में बिंदुक ब्राह्मण रहता था, और वाशपल गांव एक ऐसा था जहां पूरा का पूरा गांव कुमारगी था, कि कोई पूजा पाठ नहीं होती थी, कोई सत्कर्म नहीं होता था, सबके सब कुकर्म में पड़े रहते थे, व्यभिचार में पड़े रहते थे, जुआ खेलते थे, मदिरा पान करते थे। और उसी गांव में जो बिंदु के एक ब्राह्मण था, जिसकी धर्मपत्नी का नाम था चंचुला। अब प्यारे, सारे के सारे पुरुष भी व्यभिचार में पड़े थे, परित्रिगमन करते थे। अब कहते संघ का असर, कहते जैसा किया संग वैसा चढ़ा रंग। अब वो बिंदुक भी उनके संग के चक्कर में वो भी व्यभिचार में पड़ गया, अपनी इतनी सुंदर धर्मपत्नी को त्याग कर वो भी वेश्यागामी हो गया। अब चंचुला, जिसने देखा कि मुझे मेरे पति ने त्याग दिया है, पर स्त्री गमन में पड़ गया है, वेश्यागामी हो गया है, अब तो वो चंचुला ने भी वही राह पकड़ ली। बड़े ध्यान से सुनना, चंचुला ने भी वही राह पकड़ी। जब ये पर स्त्री गमन कर सकता है, तो क्या मैं पर पुरुष के साथ नहीं रह सकती। अब चंचुला भी व्यभिचार में आ गई, पराय पुरुष का संग करने लगी,
एक दिन क्या हुआ, जैसे वो ब्राह्मण बिंदुक अपने घर में गया, उस समय उसकी धर्म पत्नी चंचुला पर पुरुष के साथ संग कर रही थी। इतना देखते ही बिंदुक क्रोध के मारे लाल हो गया, अपनी धर्म पत्नी को ना जाने कितनी बातें, कितने ताने, और यहां तक कि उसे मारा पीटा भी। अब चंचुला निडर हो चुकी थी। ध्यान देना, आपको एक बात बताते हैं, हर पति सोचता है कि मेरी पत्नी सीता जैसी हो, हर पति सोचता है कि मेरी पत्नी सीता जैसी हो, लेकिन क्या उसको राम नहीं बनना चाहिए? सीता धर्मपत्नी भी चाहती है कि मेरा पति राम जैसा हो, तभी तो वो सीता जैसी बनेगी। अब वो चंचुला इतनी निडर हो गई थी, इतनी निडर हो गई थी कि पति का डर मन से समाप्त हो गया। बोले, मैं व्यभिचार कर रही हूं, पर पुरुष का संग कर रही हूं, तो तुम कौन सा राम बने हो? तुम भी तो व्यभिचार में पड़े हो, पराय स्त्री का संग कर रहे हो। अब क्या बोले, अगर खुद सही हो तो कुछ कह पाता। अब तो बिंदुक ने एक ही बात कही, बड़े ध्यान से सुनना, कि ठीक है चंचुला, तुम पराय पुरुष का संग कर रही हो ना, तो ये काम करती रहो, लेकिन उससे धन जरूर लो। देखो ऐसे पतिदेव, कि तुम पराय पुरुष का संग करो लेकिन धन लो, जिससे हमारा घर परिवार भी चले। अब तो चंचुला और निडर हो गई, अब तो वो पराय पुरुष को घर में लाती, संग करती और धन लेती, और बिंदु पैसे गिनता। देखो कितना बड़ा कुकर्म कर रहा है बिंदु। ऐसे कई सालों तक कार्य चलता रहा, लेकिन प्यारे धीरे धीरे कहते हैं ना, ये शरीर भी नष्ट होना चालू हो जाता है। जो पहले सुंदरता होती है बुढ़ापे में, वो सुंदरता रहती है। अब चंचुला वृद्ध हो गई, और जो बिंदुक था प्यारे, वो बुढ़ापे में आते ही उसे ऐसे रोग सताए, ऐसे रोग सताए, क्योंकि पूरी जिंदगी कोई सत्कर्म तो किया नहीं था, सारी जिंदगी पाप कर्म में पड़ा रहा। लेकिन जब बिंदुक की मृत्यु हुई तो प्यारे उसे मुक्ति नहीं मिली, वो पिशाच बन गया। पिशाच कहते हैं राक्षस को। इसीलिए हम आपसे कहते हैं प्यारे, ये मत सोचना कि मरने के बाद मुक्ति मिलती है, कोई गारंटी नहीं है। मुक्ति मिलती है तुम्हारे कर्मों से। अगर कर्म अच्छे होंगे तो जीते जी भी मुक्ति मिल जाएगी। हम आपको मृत्यु और मुक्ति में अंतर बता देते हैं, हमने शायद पहले भी बता रखा है, लेकिन फिर आपको एक बार बता देते हैं कि मृत्यु और मुक्ति में अंतर क्या होता है। कि मृत्यु उसे कहते हैं जिसकी इच्छाएं तो अधूरी रह जाएं, लेकिन सांसें पहले रुक जाएं। इच्छाएं क्या हैं? मेरे पोते पोतियों की शादी हो जाए मेरे सामने। कई बार कहते हैं ना, दादा दादी बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन उनकी इच्छा रहती है कि हमारे सामने हमारे पोते पोतियों की शादी हो जाए, जिसके कारण पोते पोतियों का रिश्ता भी जल्दी कर देते हैं कि चलो दादा दादी के सामने उनका विवाह हो जाए। रिश्ता पक्का हो जाता है, कार्ड बट जाते हैं, लेकिन शादी के एक दो दिन पहले ही दादा या दादी की मृत्यु हो जाती है। उसे कहते हैं मृत्यु, की इच्छा अधूरी रह गई और सांस पहले चली गई। किसी की इच्छा होती है कि मेरा मकान चार मंजिल हो, सबकी इच्छा होती है कि हमारा अच्छा मकान हो। एक हमारे जानकार आदर्श नगर में थे का मतलब थे। उस समय जब जीवित थे तो उनकी भी इच्छा थी, कहते थे महाराज जी भोले बाबा की कृपा से एक बार मेरा चार मंजिल मकान बन जाए, बस लोन होने वाला है। लोन भी हो गया,
खुद खड़े होकर उन्होंने अपना 4 मंजिल मकान बना दिया आलीशान आदर्श नगर में, कम से कम 80-90 लाख रुपए लगा दिया। अब प्यारे जैसे ही मकान बनके तैयार हुआ, पंडित जी से गृह प्रवेश का शुभ मुहूर्त भी निकलवा लिया, और जैसे ही शुभ मुहूर्त निकलने वाला था गृह प्रवेश का, जो दिन आने लग रहा था उससे 4 दिन पहले उसकी मृत्यु हो गई। सब कुछ खड़े होके काम करवाया, मन मुताबिक टाइल पत्थर ना जाने क्या क्या लगवाया, लेकिन जब गृह प्रवेश का टाइम आया उसे 4 दिन पहले ही सांस रुक गई। इसे कहते हैं मृत्यु, इच्छा अधूरी रह गई और सांस पहले रुक गई। तो मुक्ति क्या है प्यारे? मुक्ति है कि तुम्हारी इच्छाएं समाप्त हो जाएं और सांस चलती रहें। अब मेरी कोई इच्छा नहीं है, ये इच्छाएं दुख का कारण है, ध्यान देना। जिंदगी में जब तक जीते रहोगे इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, जितनी इच्छाएं पूरी होंगी उससे ज्यादा इच्छा बढ़नी चालू हो जाएंगी। इसीलिए इंसान दुखी रहता है। अगर खुश रहना है तो सबसे पहले इच्छाओं को समाप्त कर दो, कहकर देखो एक बार भोले बाबा आपने मुझे जो भी दिया है बहुत दिया है। क्योंकि ये इंसान 99 के चक्कर में पड़ के कभी इसके 100 पूरे ही नहीं हुए, सारी जिंदगी धन के पीछे भागता रहता है, और जब तक भागता है जब तक उसका निधन नहीं हो जाता। इसीलिए एक बार कहकर देखो, प्रभु धन इतना दीजिए जा मैं कटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं मेरा साथ न भूखा जाए। कि प्रभु इतना ही धन देना कि मेरा घर परिवार भी सुख से चले और मेरे घर में कोई साधु संत महात्मा आए वो भी खाली ना जाए। जिस समय तुम्हारे मन में ये इच्छा हो जाएगी कि बस अब भगवान ने मुझे बहुत दिया है, समझ लें तुम्हारी मुक्ति हो गई। जैसे सुदामा जी, अरे सुदामा जी को लोग गरीब कहते हैं लेकिन सुदामा जैसा धनवान ना आज तक हुआ है और ना कभी होगा। अरे लोग तो हजारों वर्ष तक तपस्या करने के बाद में भी कोई गारंटी नहीं कि भगवान मिले, लेकिन उस सुदामा को तो द्वारकाधीश ने अपने गले से लगा लिया। क्या वो सुदामा गरीब हो सकते हैं? जिस द्वारकाधीश ने रुक्मणी के बराबर अपने सिंहासन पे सुदामा को बिठाया, क्या वो सुदामा गरीब हो सकते हैं? अरे लोग तो तुम्हारा तोहफा देखकर तुम्हारा आवभगत करते हैं कि तुम क्या लेकर आए हो, उसी हिसाब से तुम्हारी सेवा करते हैं, स्वागत करते हैं। लेकिन द्वारकाधीश ने ये नहीं देखा, लोग तो कैसे कैसे स्वागत करते हैं लेकिन सुदामा जी का स्वागत संसार में ना आज तक किसी ने किया ना कोई करेगा, कि अपने आंसुओं से सुदामा जी के चरण धुलाए हैं। वो सुदामा कैसे गरीब हो सकता है? क्यों? क्योंकि पहले सुदामा ने अपनी सारी इच्छाओं को समाप्त कर रखा था। वो हमेशा यही कहता था कि जिसका मित्र द्वारकाधीश है उसे काहे की चिंता, मुझे तो बस उसका नाम लेना है। इसी प्रकार आप भी सिर्फ 7 दिन शिव के बन जाओ और यही कहो कि हे भोले बाबा हम तुम्हारा नाम लेना नहीं छोड़ेंगे, और जितना तुम्हारे मुख से शिव का नाम निकलेगा विश्वास मानो तुम उतने शिव के करीब आओगे। अब इधर बिंदुक तो प्रेत बन गया और जो चंचुला थी वो और वृद्ध होने लगी, अब उसका कोई सहारा नहीं था। एक दिन वो घर से निकलकर जाने लगी जंगल में, और जंगल में कुछ संतों की टोली जा रही थी तो उन्हीं के साथ हो ली। और वो संतों की टोली कहां जा रही थी? गोकर्ण क्षेत्र में। और वो चंचुला उन्हीं संतों महात्माओं के साथ चलती रही, जहां संत महात्मा संकीर्तन करते चंचला भी बैठ जाती।
और उन्हीं की सेवा में लगी रहती, और वही संत महात्मा शिवालय में जाकर शिव कथा करते, शिव संकीर्तन करते, और वो चंचला भी उनके साथ में आनंद मनाती। कहते हैं संघ का आनंद बहुत होता है, किसी को निंदा चुगली में आनंद आता है, किसी को भक्ति में आनंद आता है, किसी को भक्ति शोर लगती है तो कोई भक्ति में नाचता है। अब चंचुला का पहले जो संघ था उसमें उसको आनंद आता था, लेकिन अब संघ चेंज हो गया तो प्यारे उसे सत्संग में आनंद आने लगा, कथा में आनंद आने लगा, सेवा में आनंद आने लगा। अब तो प्यारे उसकी सेवा से, उसकी भक्ति से, जब चंचुला की मृत्यु हुई तो यम के दूत भी आए और बैकुंठ के दूत भी आए, शिव के गण आए। यम के दूत कहते हैं चंचुला ने कभी कोई सत्कर्म नहीं किया, ये यमलोक जाने की अधिकारी है। बैकुंठ के दूत शिव के गण कहते हैं नहीं नहीं, अंत समय में इसने शिव का नाम लिया है, अंत समय में इसने सत्संग की शरण ली है, शिव कथा की शरण ली है, इसलिए ये शिवलोक जाने की अधिकारी है। और प्यारे जैसे ही शिवलोक में पहुंची, उसकी अंत समय में अनंत भक्ति से, अनंत सेवा से भोले बाबा इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने चंचुला को पार्वती की प्रिय सखी बना दिया, अर्थात 84 के आवागमन से मुक्ति कराकर शिव पद प्राप्त दे दिया, पार्वती की सखी बना दिया। अब तो चंचुला पार्वती की सेवा में लग गई, और इतनी सेवा करती थी, इतनी सेवा करती थी कि सबसे प्रिय सखी बन गई। एक दिन वो चंचुला बड़ी उदास थी, पार्वती ने कहा अरे सखी क्या बात है, तुम उदास क्यों हो? तब चंचुला ने कहा क्या बताऊं, ना जाने मेरा पति किस हाल में होगा, मुझ पर उसने बहुत अत्याचार किए हैं, लेकिन कहते हैं ना भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा क्या है, देवता तो करवा चौथ पे बनाए जाते हैं बस। बोले मैं देखना चाहती हूं कि इस समय मेरे पति देव कहां हैं, क्या कर रहे हैं, किस योनि में हैं। पार्वती ने शिव जी से प्रार्थना करी कि हे प्रभु आप अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ दृश्य दिखा सकते हैं, चंचुला को बता दीजिए इस समय इसका पति कहां है। तब भोले बाबा ने कहा अपने प्रारब्ध के कर्मों के कारण जो उसने पाप किए हैं, कुकर्म किए हैं, उसके कारण वो मंदराचल पर्वत पर पिशाच बन के घूम रहा है, भूखा प्यासा भूख से तड़प रहा है। इतना सुनकर चंचुला रोने लगी, बिलखने लगी कि हे त्रिलोकीनाथ भूत भावन भूतेश्वर, बाबा भोलेनाथ कोई ऐसा उपाय बताओ जो मेरे पति की भी मुक्ति हो जाए। ठीक है उसने पाप किए हैं, लेकिन मेरी सेवा का फल भी उसे कुछ मिल जाए जो उसकी भी सदगति हो जाए। तब प्यारे भोले बाबा ने अपने प्रिय गण जिसका नाम था तुम्बरू, उस तुम्बरू को मंदराचल पर्वत पे भेजा कि जाओ वहां पर एक पिशाच है, उसको शिव कथा का अमृत पान कराओ। अब प्यारे जैसे ही तुम्बरू मंदराचल पर्वत पर गया तो इतना विशाल पिशाच भूख के मारे तड़प रहा है, देखकर कहने लगा मैं तुम्हें खा जाऊंगा, लेकिन उसे नहीं पता कि प्यारे सामने कौन है, शिव के गण, और शिव के गणों ने उस तुम्बरू को शिव मंत्रों से, पंचाक्षरी मंत्र से बांधा और प्यारे उसे एक जगह बिठाकर ये शिव की कथा सुनाई। और कहते हैं जहां शिव महापुराण की कथा होती है ना प्यारे, बड़े से बड़ा
प्रेत योनि में भी होता है प्यारे, उसे भी मुक्ति मिल जाती है। और आप जो बैठे हैं ना, विश्वास मानना, जो इस कथा का अमृत पान करता है उसकी 15 पीढ़ियां तर जाती हैं, साथ आपकी आगे की, साथ पीछे की और एक स्वयं आपकी। इतनी शक्ति है शिव कथा में। और प्यारे कि जैसे जैसे हम कथा में प्रवेश करते हैं वैसे वैसे हमारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होने चालू हो जाते हैं, हमारी सारी इच्छाएं धीरे धीरे समाप्त होने चालू हो जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो विषय विकार है वो निकलने चालू हो जाते हैं। और इन्हीं विषय विकारों की वजह से इंसान इच्छाओं में ग्रसित रहता है कि मेरे पास ये नहीं है, पड़ोसी के पास ये सब है। अपना स्टेटस दिखाने के चक्कर में वो झूठ भी बोलता है, बेईमानी भी करता है, ना जाने कितने कार्य करता है। उसे नहीं पता कि ये सब हम अपने पाप का अकाउंट बढ़ा रहे हैं। इसीलिए बीच बीच में संत महात्मा तुम्हें सत्संग के द्वारा समझाते हैं कि प्यारे इस चीज में कुछ नहीं रखा, ये धन दौलत जमीन जायदाद मकान दुकान रिश्तेदार ये सब छलावा है, जिसको तुम अपना कहते हो ना कि ये बेटे मेरे बहू मेरे जमीन मेरी जायदाद मेरी, प्यारे तुम्हारा कुछ भी नहीं है। जब अंत समय आता है तो इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाता है। इसीलिए संत महात्मा तुम्हें समझाते और कहते हैं मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा, ओ मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा, मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा, मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा। ये तो सब झूठा सपना है, 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 ना तेरा ना मेरा मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा, मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा। कितने भी माया जोड़ ले कितने भी नहर बना ले, कितने भी माया जोड़ ले कितने भी महल बना ले, कितने भी माया जोड़ ले कितने भी महल बना ले, कितने भी माया जोड़ ले कितने भी महल बना ले, पर तेरे मरने के बाद में क्या करते घर वाले, पर तेरे मरने के बाद में क्या करते घर वाले, दो गज कफन उड़ा के तुझको, 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 छीन लेंगे तेरा देगा ओ मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा, ओ मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा। और प्यारे ये इंसान कोठी बंगले कार देखकर इतराता है कि मैं इतना पैसे वाला हूं, मेरा इतना बड़ा परिवार है। और प्यारे जब अंत समय आता है ना तो ये कोठी बंगले रिश्तेदार सब यही के यही रह जाते हैं। क्या कोठी बंगले कार देख कर क्यों इतना इतराता है, कोठी बंगले कार देख कर क्यों इतना इतराता है, कोठी बंगला कार देख कर क्यों इतना इतराता है, कोठी बंगला कार देख कर क्यों इतना इतराता है, पत्नी और बच्चों के बीच तू फूला नहीं समाता है, पत्नी और बच्चों के बीच तो फूला नहीं समाता है, ये तो चार दिनों की चांदनी, ये तो चार दिनों की चांदनी,
चांदनी गिर आएगा अंधेरा मूरख बंदे। क्या है रे जग तेरा मूरख बंदे, क्या है रे जग तेरा। और प्यारे ये इंसान जाने अनजाने में बहुत पाप करता है, किसी से अनजाने में होते कोई जानबूझकर करता है। सारी जिंदगी जो पाप किए हैं उसको नष्ट करने के लिए केवल 7 दिन चाहिए, चाहे वो भागवत कथा की हो, शिव कथा की हो, या किसी भी भगवान की शरण में जाने के हो। जो कथा में एक क्षण भी बैठ जाता है, जाने अनजाने में किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि संत महात्मा तुम्हें समझाते हैं और कहते हैं, क्या पाप कमाया तूने बहुत, अब थोड़ा धन कमा ले। पाप कमाया तूने बहुत, अब थोड़ा धन कमा ले। पाप कमाया तूने बहुत, अब थोड़ा धन कमा ले। पाप कमाया तूने बहुत, अब थोड़ा धन कमा ले। कुछ तो समय है अब मानव तो नाम, कुछ तो समय है अब मानव तो शिव नाम को गाले। कुछ तो समय है अब मानव तो शंकर नाम गाले। शिव नाम से मिट जाएगा, शिव नाम से मिट जाएगा, शिव नाम से मिट जाएगा, शिव नाम से मिट जाएगा। जन्म मरण का फेरा मूरख ढूंढ ले। क्या है रे जग तेरा, ये तो सब छोटा सपना है, ये तो सब छोटा सपना है, ये तो सब छोटा सपना है, ये तो सब छोटा सपना है। कुछ तेरा ना मेरा मूरख बंदे। क्या है रे जग तेरा मूरख बंदे, क्या है रे जग तेरा, क्या है रे जग तेरा, क्या है रे जग तेरा। बोली शंकर भगवान की जय हो, जोर से बोला जाए ओम नमः शिवाय, जोर से बोला जाए ओम नमः शिवाय। इसीलिए कहते हैं प्यारे कि शिव नाम लेते रहो और अपने पुण्य बढ़ाते रहो, लेकिन भक्ति ऐसी होनी चाहिए जो सरल हो। भक्ति में भी अभिमान नहीं होना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं। ये एक बार देव ऋषि नारद जी हिमालय पर्वत के गंगा किनारे एक तट पर बैठे और तप करने लगे, और उसके तप से इंद्र भगवान परेशान हो गए। देखो कोई तरक्की करता है ना तो उनसे कई जलने वाले भी होते हैं। और हम बार बार कहते हैं कि संसार में दो ही जनों में एकता दिखाई देती है, संसार में दो ही जनों में एकता दिखाई देती है। और कब दिखाई देती है? जब एक जना तरक्की कर रहा हो उसको नीचे गिराने में एकता दिखाते हैं, चाहे वो रिश्तेदार भी हो ना, वो भी सोचते हैं कि इसे कैसे नीचे गिराएं। और दूसरी एकता कब दिखाते हैं? जब इंसान की मृत्यु होती है ना, उसकी अर्थी को ले जाने में उठाने में एकता दिखाते हैं। कई तो ऐसे होते हैं जिसको इस काम का टेंडर मिला होता है, किसी की मृत्यु हो जाए बुलाते नहीं, फिर भी आगे से आगे अर्थी बांधने में, कपड़ा लगाने में, साथ चलने में, जल्दी जल्दी ले जाने में लगते हैं, उसमें एकता दिखाते हैं। अरे एकता अच्छी बात है दिखानी, लेकिन अच्छे काम में भी एकता दिखाओ। किसी को नीचे गिराने में एकता नहीं होती।
हाँ उठाने में जो एकता करते हैं समझ लो वो भोले बाबा के भक्त होते हैं। अब नारद जी हिमालय पर्वत के गंगा जी के किनारे जब तप कर रहे थे तो इंद्र देवता बड़ी ईर्ष्या में थे, ये नारद जी कौन सा तप कर रहे हैं, कहीं मेरे लिए तो तप नहीं करें कि मेरा सिंहासन ले लें, क्योंकि जो ऊंचाइयों पर रहते हैं ना हमें उसे हमेशा नीचे गिरने का डर सताता रहता है, इसलिए भोले बाबा हमेशा नीचे रहते हैं कि पहले मैं धरती पे हूं तो मुझे नीचे कौन गिराएगा। अब जो इंद्र देवता को डर लगा कहीं मेरा सिंहासन छीनने के लिए तप ना कर रहे हो, इसलिए उनका तप भंग करने के लिए तपस्या भंग करने के लिए उन्होंने कामदेव को बुलाया कि कामदेव ना जाने नारद जी मेरे लिए तप ना कर रहे हो इसलिए तुम उनका तप भंग कर दो। अब कामदेव ने कहा महाराज जो आज्ञा। अब कामदेव नारद जी का तप भंग करने के लिए गंगा किनारे तट पर गए और जहां नारद जी एकाग्र मन से तप कर रहे थे कामदेव ने योग माया से कहा कि योग माया सारी अवस्थाएं पैदा कर दो जिससे काम जागृत हो जाए और नारद जी का तप भंग हो जाए। योग माया ने सारी अवस्थाएं पैदा कर दी, मंद मंद हवाएं चलने लगी, कलियां खिलने लगी, भंवरे गुनगुनाने लगे, लेकिन क्या हुआ नारद जी का तप भंग नहीं हुआ, कोई असर नहीं हुआ काम का उस जगह पर। तो सज्जनों आपको बता दें वो स्थान कौन सा था जहां पे नारद जी तप कर रहे थे, प्यारे वो स्थान वही था जहां पर एक बार भोले बाबा भी तप कर रहे थे, जहां पर भोले बाबा भी तप कर रहे थे और उस समय में भी कामदेव ने भोले बाबा पे काम बाण चलाया था और भोले बाबा का ध्यान भंग हुआ और भोले बाबा के त्रिनेत्र की ज्वाला से कामदेव वहीं जलकर भस्म हो गए थे और उस जगह को श्राप लगा था कि प्यारे उस जगह पर काम का कोई असर नहीं होगा। अब नारद जी को लगा कि मैंने काम को जीत लिया, नारद जी ने सोचा ओहो मेरी तपस्या तो सफल हो गई क्योंकि मैंने काम को जीत लिया। देखो सेवा करना तप करना भक्ति करना दान करना पुण्य करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस पर अभिमान करना कि मैं इतनी सेवा करता हूं मैं इतनी भक्ति करता हूं मैं इतने दान करता हूं प्यारे वो निष्फल हो जाता है। अब नारद जी में अभिमान आ गया कि वो मैंने तो काम को जीत लिया, ऐसा तप किया कि काम का असर भी मुझ पे नहीं हुआ। अब तो नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए, बोले ब्रह्मा जी मेरी तपस्या सफल हुई मैंने काम को जीत लिया। ब्रह्मा जी मुस्कुराए कि ये नारद जी नहीं नारद का अभिमान बोल रहा है। अब ब्रह्मा जी ने एक ही बात कही, नारद जी मैंने तो ये बात सुन ली लेकिन विष्णु जी से यह बात मत कहना। अब तो नारद जी ने सोचा ये मुझे मना करने के लिए कह रहे हैं ना, अब तो मैं जरूर कह के आऊंगा। अभिमान में काम इंसान उल्टे करता है। अब रास्ते में शिव मिले, शिव जी से भी यही बात कही कि हे भोले बाबा मैंने ऐसी तपस्या करी कि मैंने काम को जीत लिया। तब शिव भगवान ने भी यही कहा अच्छी बात है जीत लिया लेकिन ये बात विष्णु जी से मत कहना। अब तो नारद जी सोचने लगे लगता है मेरी तरक्की से सब जल रहे हैं, ये क्यों मना कर रहे हैं, मैं विष्णु को भी बता के आऊंगा। और जैसे विष्णु जी से कहा कि हे श्री हरि देखो मैंने ऐसा तप किया कि मैंने काम को जीत लिया। अब तो प्यारे
श्री हरि भी समझने लगे कि ये नारद जी नहीं, नारद का अभिमान बोल रहा है। अब तो श्री हरि ने ऐसी लीला रची कि नारद जी जा रहे थे, तभी ऐसे राज्य की रचना रची शिव हरि ने जिसके राजा भी बना दिए, प्रजा भी बना दी और राजा की पुत्री भी बना दी, और उस राजा का नाम था शील निधि, जिसकी एक कन्या थी जिसका नाम था विश्वमुखी, जो इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी। और उस शील निधि राजा ने स्वयंवर रचा था कि जिसके गले में ये मेरी पुत्री विश्वमुखी माला डाल देगी उसके साथ मैं उसका विवाह करा दूंगा। और उसी रास्ते से नारद जी निकल रहे थे, जैसे ही शील निधि राजा के पास पहुंचे, राजा ने अपनी पुत्री से नारद जी के सामने बुलवा के प्रणाम कराया। नारद जी ने उसका रूप देखते ही काम मोहित हो गए। तभी मन में विचार आया कि कैसे भी हो मैं इस कन्या से विवाह करूंगा। देखो अब काम भाव कहां गया, जो काम को जीत लिया था काम भाव तो आ गया, अब तो वो उस कन्या को पाने के लिए चेष्टा करने लगे, कोशिश करने लगे। जब नारद जी को पता लगा कि इस विश्वमुखी का स्वयंवर होने वाला है और बड़े से बड़े सुंदर राजा महाराजा आएंगे, बोले मैं ऐसा यत्न करूंगा कि मेरे से ज्यादा सुंदर कोई दिखे ही ना। अब तो नारद जी वापस विष्णु भगवान के पास गए और विष्णु भगवान से कहने लगे, प्रभु आपसे एक बहुत विशेष कार्य के लिए आया हूं। बोले क्या? बोले मैंने सुना है शील निधि राजा की पुत्री विश्वमुखी का स्वयंवर हो रहा है, और उसमें जो वो उस पुत्री जिसके गले में माला डालेगी उसे उसका विवाह हो जाएगा, और मैं चाहता हूं कि वो मेरे गले में माला डाले, तो आप ऐसा कोई यत्न करो कि मुझे अपना स्वरूप प्रदान कर दो, अपना स्वरूप प्रदान कर दो कि मेरा भी विष्णु जैसा मुख हो जाए। जैसे आप सुंदरता में श्रेष्ठ हो ऐसे मुझे भी बना दो। अब विष्णु जी मुस्कुरा रहे हैं कि अब इसका अभिमान दूर होने वाला है। विष्णु जी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें ऐसा रूप दूंगा जिसका ऐसा रूप किसी का नहीं होगा। अब तो नारद जी प्रसन्न हो गए। अब विष्णु जी ने नारद जी को कौन सा रूप दिया, कौन सा रूप दिया? वानर रूप दे दिया। लेकिन नारद जी को ऐसा लग रहा था कि मेरा मुख विष्णु जैसा है। अब तो नारद जी पहुंच गए स्वयंवर में, एक से एक राजा बलराजा सुंदर पंक्ति में बैठे थे। अब वहीं नारद जी भी बैठ गए और ऐसे बैठे जैसे मेरे से ज्यादा सुंदर तो कोई है ही नहीं। अब रानी आई हाथ में माला लेके, सब राजाओं को देख रही है। जैसे नारद जी के पास आए नारद जी उठ खड़े हो जाएं कि अब तो ये मेरे गले में ही माला डालेगी। जैसे ही उस विश्वमुखी कन्या ने नारद जी को देखा मुस्कुराती हुई आगे चली गई। नारद जी सोचने लगे लगता है घूम फिर के वापस मेरे पास आएगी, क्योंकि मेरे से ज्यादा कोई सुंदर तो है ही नहीं, मेरा विष्णु स्वरूप मुख है। अब तो रानी फिर माला लेके आई, नारद जी फिर खड़े होके सर झुका के खड़े हो गए कि डाल मेरे गले में, लेकिन वो फिर आगे चली गई। ऐसे जब बार बार हुई तो जो पास में दो राजा बैठे थे वो कहने लगे कहां कहां से ऐसे वानर आ जाते हैं, कहां कहां से ऐसे वानर आ जाते हैं जो स्वयंवर में सोचते हैं विश्वमुखी को अपना ले। अब प्यारे ये बात सुन के हैरानी तो हुई, लेकिन प्यारे अभी भी वो अपने आप को विष्णु ही समझ रहे थे। लेकिन जैसे इस बार वो विश्वमुखी आई, नारद जी खड़े हुए, जैसे वो आगे गए तो क्या देखा, वो छलिया श्री हरि नारायण भाई भगवान भी आगे बैठे हुए।
और उस विश्वमुखी ने आगे जाके श्री हरि विष्णु के गले में वो माला डाल दी। इतने ही प्यारे नारद जी हैरान कि जब मैं विष्णु स्वरूप बैठा हूं तो ये माला विष्णु के गले में क्यों डाली। इतने में उन दोनों की बात याद आ गई कि जाके अपना मुख तो देखो, वानर बन के आ गए। अब तो प्यारे जैसे ही नारद जी ने नदी में अपना मुख देखा, क्या देखा, उनके मुख तो वानर राज का था। अब तो प्यारे नारद जी को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, जैसे श्री हरि नारायण भगवान के पास उस विश्वमुखी को देखा, क्योंकि प्यारे वो विश्वमुखी और कोई नहीं लक्ष्मी जी थी, क्योंकि श्री हरि की ही रचना थी, सिर्फ नारद जी का अभिमान तोड़ने के लिए। जैसे ही विश्वमुखी को देखा, अब तो नारद जी का क्रोध टूट पड़ा। अरे विष्णु, अरे छलिया, मुझे पता था तू छल करेगा, ना जाने कितने अपशब्द कहे कि तुमने देवताओं का अमृत राहु से भी छीन लिया, उसका सिर काट दिए, ना जाने क्या क्या बोलने लगे। अब तो प्यारे जैसे श्री हरि की कृपा से जब वो नारद जी के ऊपर से अभिमान रूपी माया हट गई, तो प्यारे नारद जी हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगे कि प्रभु मेरे से बड़ी त्रुटि हो गई, गलती हो गई कि मुझ जैसे सन्यासी तपस्वी को काम भाव कैसे जागृत हो गया और मेरे अंदर अभिमान कैसे आ गया। और हम आपसे भी कहते हैं कि प्यारे भगवान से सब कुछ मांगना, लेकिन अभिमान मत मांगना, क्योंकि अभिमान जब आता है तो सर्वनाश होने में समय नहीं लगता, क्योंकि अभिमान में तीन जने बिल्कुल चले गए, कौन, धन, वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो, रावण, कौरव और कंस, ये सब अभिमान में ही गए हैं। और प्यारे इसी अभिमान में एक बार पार्वती जी को भी बहुत दुख उठाना पड़ा। क्या हुआ था, एक बार लक्ष्मी जी ने पार्वती जी को अपने घर बुलाया, निमंत्रण दिया, और पार्वती जी बड़े प्रेम से लक्ष्मी के घर गई। अब लक्ष्मी जी ने अपना घर दिखाना चालू कर दिया। देखो कईयों में एक आदत होती है, जब घर बढ़िया होता है ना, कोई मेहमान आता है, चलो चाय बन रही है, जब तक तुम्हें हम अपना घर दिखाते हैं, कभी डाइनिंग रूम में ले जाते हैं, कभी बेडरूम में ले जाते हैं, कभी कहीं ले जाते हैं, देखो ये अभी बनवाया है, ये अभी इटैलिक किचन बनवाई है। ऐसे ही लक्ष्मी जी पार्वती जी को अपना महल दिखा रही थी। अब यहां तक तो ठीक था कि महल दिखाना, लेकिन उसके बाद ताने देना, अरे तुम कहां फंस गई पार्वती जी, कि वहां पर तो केवल बर्फ ही बर्फ है, ना कोई कुर्सी, ना कोई मेज, ना कोई डाइनिंग टेबल, ना कुछ, ना जाने कितनी बातें बोली। अब तो लक्ष्मी जी ने वहां पे उसका पानी भी नहीं पिया पार्वती ने। अब तो पार्वती जी भोले बाबा के पास आई, गई तो राजी राजी थी, लेकिन जब वापस आई तो क्रोध में आई। भोले बाबा ने कहा, अरे पार्वती क्या हुआ। बोले बस पूछो मत, बोले बताओ तो सही। बोले आजकल लोग बुलाते समय सिर दिखाने के लिए बुलाते हैं, सेवा भाव कुछ नहीं होता, लेकिन मैं भी चाहती हूं कि जैसा मुझे लक्ष्मी ने दिखाया ना, उससे ज्यादा मैं उसको जलाऊंगी। एक काम करोगे। बोले क्या। बोले लक्ष्मी ने तो अपना महल बनाया, अच्छी बात है, उसमें तो थोड़े थोड़े सोने की चीजें थी, लेकिन मेरा ऐसा महल बनवा दो ये सारा महल ही सोने का हो। अब भोले बाबा समझा रहे हैं कि अरे पार्वती, किसी के महल को देखकर अपने घर में आग नहीं लगाया करते। और बात भी सच है कि सब अपने तरह से खा रहे हैं, पी रहे हैं, किसी की बराबरी नहीं करनी चाहिए। जितने में भगवान ने हमें बनाया है उतने में प्रसन्न रहना सीख लो तो हमेशा खुश रहोगे।
लेकिन आज का इंसान दुखी क्यों है? क्योंकि अपने पास इतनी सी चीज है उसमें आनंद नहीं मनाता, लेकिन दूसरों के पास दो चीज क्यों है इसमें दुखी रहता है। अब तो पार्वती भोले बाबा से जिद करने लगी और कहने लगी, भोले बाबा मैं चाहती हूं कि तुम भी ऐसा महल बनाओ जो सब देखते रह जाएं। और पार्वती क्या कहती हैं, बनवा दे भोले रे सोने की एक अटरिया, बनवा दे भोले रे बनवा दे भोले रे सोने की एक अटरिया, बनवा दे भोले रे सोने की एक अटरिया। तुम तो भोले 80 बरस के, तुम तो भोला 80 बरस के, तुम तो भोला 80 बरस के, अरे तुम तो भोला 80 बरस के, बाली है उमरिया, बनवा दे भोले रे सोने की एक अटरिया, बनवा दे भोले रे सोने की एक अटरिया। और जैसे पार्वती जी ने भोले बाबा से कहा कि प्रभु मेरी सोने की अटरिया बनवा दो, जिद करने लगी, तो भोले बाबा ने क्या किया, शिव शंकर ने हुक्म किया जब विश्वकर्मा बुलवाए, शिव शंकर ने हुक्म किया जब विश्वकर्मा बुलवाए, शिव शंकर ने हुक्म किया जब विश्वकर्मा बुलवाए, शंकर ने हुक्म किया फिर विश्वकर्मा बुलवाए, सोने का तो महल बना सोने के खंभ लगाए, सोने का तो महल बना सोने के खंभ लगाए, अरे ऐसी सुंदर बनी ऐसी सुंदर बनी नगरिया, ऐसी सुंदर बनी नगरिया, ऐसी सुंदर बनी नगरिया, तेरे नहीं नजरिया, बनवा दे भोले रे सोने की एक अटरिया, बनवा दे भोले रे सोने की एक अटरिया। अब पूरा सोने का महल बनके तैयार हो गया। अब प्यारे जब सोने का महल बना, मकान बनवाते तो क्या करवाते हैं, क्या करवाते हैं, गृह प्रवेश करवाते हैं। अब प्यारे महल बना जब सोने का तो हवन यज्ञ करवाया, महल बना जब सोने का तो हवन यज्ञ करवाया, महल बना जब सोने का तो हवन यज्ञ करवाया, महल बना जब सोने का तो हवन यज्ञ करवाया, रावण जैसा पंडित भी पूजन को भी बुलवाया, रावण जैसा ज्ञानी पंडित पूजन को बुलवाया, रावण जैसा ज्ञानी पंडित पूजन को बुलवाया, रावण जैसा ज्ञानी पंडित पूजन को बुलवाया, पूजा करते करते पड़ गई, 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 रावण की नजरिया वादे भोले रे सोने की नजरिया, वादे भोले रे सोने की एक अटरिया। और जैसे ही रावण की नजर पड़ी, ओहो, कहते हैं किसी चीज पे ना नजर नहीं डालनी चाहिए। अब पूजन करते करते जब रावण की नजर पड़ी तो रावण शिव जी से कहने लगे, रावण बोला ओ मेरे स्वामी मैं दास तुम्हारा, रावण बोला ओ मेरे स्वामी मैं हूँ दास तुम्हारा, रावण बोला ओ मेरे स्वामी मैं हूँ दास तुम्हारा, रावण बोला ओ मेरे स्वामी मैं हूँ दास तुम्हारा, सोने का तो ये सोने का तो महल आपका लगे बड़ा ही प्यारा, सोने का तो महल आपका लगे बड़ा ही प्यारा, सोने का तो महल आपका लगा बड़े ही प्यारा, सोने का तो महल आपका लगा बड़ा ही प्यारा। प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैंने आपकी पूजा करी है। और कहते हैं बिना दक्षिणा के दान अधूरा होता है, यज्ञ अधूरा होता है, तो मुझे एक काम कर दो। क्या,
मुझे दान में दे दो भोले, 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 सोने की अनहिया बनवा दे भोले, सोने की बनवा दे भोले रे, सोने की एक अनहिया। अब तो प्यारे भोले बाबा पार्वती से कहने लगे, पार्वती चलो, बोले कहा वापस कैलाश चलते हैं, क्योंकि हमारे नसीब में ये सोने का महल है ही नहीं। तो क्या कहने लगे भोले बाबा, महल अटारी दान में देकर शिव कैलाश पधारे, महल अटारी दान में देकर शिव कैलाश पधारे, महल अटारी दान में देकर शिव कैलाश पधारे, महल अटारी दान में देकर शिव कैलाश पधारे। अब शिव कैलाश तो पधार दिए, लेकिन पार्वती को कौन मनाए। पार्वती रूठ के जाके बैठ गई, क्या रूठ के बैठी गोरा मैया शिव जी लगे मनाने, रूठ के बैठी मैया शिव जी लगे मनाने, रूठ के बैठी गोरा मैया शिव जी लगे मनाने, रूठ के बैठी गोरा मैया शिव जी लगे मनाने। और क्या मना रहे हैं, अपने भाग्य में नहीं है गोरा, 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 सोने की अटारिया भोले रे, सोने की अटारिया भड़वा दे भोले रे, सोने की एक अटारिया। अच्छा एक बात पूछते हैं आपसे, ये लंका किसने जलाई, आप बताना किसने जलाई लंका। हनुमान जी ने। किसने जलाई लंका, किसने जलाई, हाँ ये हनुमान जी ने नहीं, पार्वती जी ने जलाई लंका। कैसे जलाई ध्यान देना, क्योंकि हनुमान जी कौन है, ये शिव के अंश हैं, ये रुद्र अवतार है, शिव के अंश हैं। शिव शंकर हनुमान बने सीता का पता लगाया, शिव शंकर हनुमान बने सीता का पता लगाया, शिव शंकर हनुमान बने सीता का पता लगाया, शिव शंकर हनुमान बने सीता का पता लगाया। अब शिव शंकर तो हनुमान बन गए, पार्वती कहाँ गई, क्या बोलने कहने लगी, प्रभु मैं भी आपके साथ चलूंगी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। और पार्वती जी कहाँ रही, पूंछ में बैठी गोरा मैया लंका नगर जलाया, पूंछ में बैठी गोरा मैया लंका नगर जलाया, पूंछ में बैठी गोरा मैया लंका नगर जलाया, पूंछ में बैठी गोरा मैया लंका नगर जलाया। अब जब पूरी लंका नगरी जल गई, सीता मैया को तसल्ली हो गई, और क्या कहने लगी रावण से, अरे खाक में मिल गई रावण तेरी, 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 सोने की अटारिया भोले रे, सोने की अटारिया भड़वा दे भोले रे, सोने की एक अटारिया भड़वा दे भोले रे, सोने की शिवाय हरि ओम नमः शिवाय।
शिवा हरे बलि शंकर भगवान की जोर से बोला जाए ओम नमः शिवाय जोर से बोला जाए ओम नमः शिवाय। और प्यारे कि जैसे ही नारद जी का अभिमान टूटा नारद जी क्षमा मांगने लगे। और प्यारे हम आपसे भी कहते हैं कि भगवान ने आपको कुछ भी दिया है चाहे धन दी दौलत दी स्वरूप दिया कोई पद दिया उसका अभिमान नहीं करना चाहिए। हमेशा सरल रहो क्योंकि सरल को ही भगवान अपनाता है। ध्यान देना जो अपने आप को विद्वान समझते हैं ना भगवान उनको कभी नहीं मिले। कथा में बैठो हमेशा अज्ञानी बन के बैठो क्योंकि अज्ञानी बन के बैठोगे हर कथा में कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। और ज्ञानी बन के बैठोगे विद्वान बन के बैठोगे सिवाय कमियां निकालने के कुछ नहीं मिलेगा। और अगर भगवान से कुछ पाना है भोले बाबा से कुछ पाना है तो प्यारे भिक्षुक बन के बैठना। धनवान बन के बैठोगे कुछ नहीं मिलेगा बोले इसके पास तो वैसे सब कुछ है क्या दूं। झोली खोल के बैठोगे विश्वास मानो जितना तुमने सोचा भी नहीं होगा ना उतना मेरा भोले बाबा भंडार भर देगा। अच्छा आपको एक बात और बता दें कि विद्वान और विद्यावान में अंतर होता है। हम कहते हैं ना कि रावण जैसा विद्वान ना आज तक हुआ है और ना कभी होगा। विद्वान का मतलब क्या होता है कि उसके पास विद्या तो है लेकिन अभिमान भी साथ जुड़ा हुआ है। और आपको सच्चाई बता दें कि रावण राम जी से हर चीज में बड़े थे। और हम ये भागवत कथा में भी कहते हैं रावण राम जी से हर चीज में बड़े थे। कहो तो बता दें कि राम जी के कितने शीश थे कितने थे एक और रावण के 10 तो कौन बड़े हुए। राम जी का ईंट पत्थर का मकान था और रावण की पूरी सोने के लंका तो कौन बड़े हुए। अब राम जी गुरु वशिष्ठ जी के पास पढ़ने के लिए जाया करते थे और गुरु वशिष्ठ जी के पिता ब्रह्मा जी रावण को उनके महल में जाके पढ़ाने के लिए आया करते थे तो कौन बड़े हुए। हर चीज में रावण बड़े थे लेकिन फिर भी उनका सर्वनाश हुआ क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा विद्वान थे। क्योंकि ज्ञानी होना अच्छी बात है कि हाँ ज्ञान है लेकिन उस ज्ञान पे जब अभिमान चढ़ जाता है तो वो विद्वान बन जाता है कि मैं बहुत विद्वान हूं। और एक होता है विद्यावान। और विद्यावान कौन है विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करीबी को आतुर। ये विद्यावान कौन है हनुमान जी जो इतना ज्ञान होने के बाद में भी बिल्कुल सरल रहते हैं। और हमारे चौहान जी के लिए एक बार जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे। कहते हैं कि प्यारे सबसे बड़ा धन होता है काया और काया अगर स्वस्थ रहती है ना तो प्यारे जेब में कुछ ना भी हो तो भी इंसान आनंद मनाता है। और भोले बाबा हमारे भाई साहब पर कृपा बनाए रखें जो इनका काया रूपी धन जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो। और प्यारे कि भोले बाबा की ऐसी कृपा होगी कि हमारे चौहान भाई साहब जैसे भी धीरे धीरे आ रहे हैं ना तो नाचते गाते आपको दिखेंगे। और प्यारे ये मेरे भोले बाबा की कृपा अवश्य होगी कि हम कहते हैं इस शिव कथा का फल इनको इनके परिवार को अवश्य मिले। जो जिस श्रद्धा भावना से कथा सुनता है जो इस श्रद्धा भावना से कथा में सेवा करता है प्यारे वो यहां से खाली हाथ नहीं जाता।
भोले बाबा उसके साथ हो जाते हैं, क्योंकि जो भोले बाबा की सेवा में रहता है प्यारे भोले बाबा उनकी सेवा में रहते हैं। तो हम आपसे कहते हैं कभी विद्वान बन के मत बैठना, बैठना तो विद्यावान बन के, जैसे हनुमान जी इतनी शक्ति होने के बाद में भी, इतना ज्ञान होने के बाद में भी प्यारे वो हमेशा सेवा में ही रहते थे, बिल्कुल उन्होंने कभी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया, अपने ज्ञान का कभी दुरुपयोग नहीं किया। वो हमेशा यही कहते थे कि मुझे सेवा को मौका मिले, मुझे हमेशा भक्ति करने का सौभाग्य मिले, प्रभु का नाम लेने का सौभाग्य मिले। और जो इस भाव से बैठता है प्यारे वो विद्वान नहीं, वो विद्यावान होता है। कि एक बार लक्ष्मी जी ने विष्णु जी से कहा कि देखो जी, सबके सब देवी देवता घूमने के लिए जाते हैं, आप तो कभी घूमने ही नहीं जाते। बोले क्या करूं, मुझे बहुत काम है इसलिए नहीं जाता। अब कई बार घरों में भी ऐसी माताएं बहनें होती है ना, चलो आज मुरथल घुमा लाओ। बोले मेरे पास बहुत काम है, मुरथल कहां जाएंगे। बोले पड़ोसी को देखो, हर संडे को घुमाने के लिए जाते हैं परिवार को, होते ना कई ऐसे। अब ऐसे लक्ष्मी जी कहती हैं कि देखो भोले बाबा को, जब जी करता है पार्वती को घुमाने के लिए चले जाते हैं। बोले हमारे पास तो इतनी धन दौलत है, भोले बाबा के पास क्या है, भोले बाबा के पास कुछ संभालने के लिए है ही नहीं, तो वो चले जाते हैं। अब हमारे पास इतना धन दौलत है, इतने धन के अंबार है, उसे संभालना भी है। जब लक्ष्मी जी जिद करने लगी तो विष्णु जी ने कहा चल ठीक है, आप तैयारी करो, हमारे यहां के जो 52 दरवाजे हैं ना, उनमें ताला तो लगा लो, क्योंकि जब आप कहीं जाते हो तो अलमारी में, संदूक में, दरवाजों में ताला लगा के तो जाते हो ना, कहीं चोरी चकारी ना हो जाए। अब जैसे ही लक्ष्मी जी ने बैकुंठ के 52 दरवाजों में ताला लगाना शुरू किया, शाम हो गई। अब जैसे शाम हुई बोले चलो, बोले अब तो शाम हो गई, अब तो कल जाएंगे, क्योंकि काम इतना फैला रखा है जो जाने का समय ही नहीं मिलता। तब लक्ष्मी जी कहती हैं कि भोले बाबा कैसे जाते हैं, देखो सच बताएं, जैसे घूमने का भी एक समय होता है ना, भोले बाबा का भी एक समय है घूमने का। पार्वती मैया के साथ भोले बाबा भी घूमने के लिए जाते हैं, और कहां पे, भूलोक में, अर्थात पृथ्वी लोक में आते हैं साक्षात भोले बाबा पार्वती को लेके। और टाइमिंग क्या होती है बता दें आपको, 2 से लेकर 5 बजे तक, 2 से लेकर 5 बजे तक जहां भी शिव कथा होती है, श्री शिव महापुराण होती है प्यारे, वहां पे भोले बाबा और पार्वती हमेशा रहते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। अब प्यारे, अब पार्वती सोच रही है कि भोले बाबा कोई ऐसा स्थान हो जहां पे हमारा मन भी लग जाए, और जहां पर केवल और आप और हम ही हो, ऐसा सुंदर कोई स्थान बनवा दो। तब भोले बाबा ने कहा ठीक है, लंका तो रही नहीं, लंका भी बनवाई थी ना वो रावण ने ले ली, चलो कोई बात नहीं, हम चलते हैं बद्री का आश्रम। कहां पर, बद्री का आश्रम। अब भोले बाबा पार्वती को बद्री का आश्रम में ले गए। अब वहां पर खूब आनंद से रह रहे थे बद्री का आश्रम में भोले बाबा और पार्वती जी। लेकिन कहते हैं ना, किसकी नजर कब लग जाए कुछ पता नहीं। अब लक्ष्मी तो जिद कर रही थी कि विष्णु जी मुझे घुमाने ले चलो, घुमाने ले चलो। अब विष्णु जी ने सोचा चलो मौका अच्छा है, भोले बाबा से भी मिल आएंगे, चलो लक्ष्मी जी बद्री का आश्रम चलते हैं। अब देखो लक्ष्मी जी टोटल
चार भाई बहन हैं लक्ष्मी जी, जिसमें दो बहन और दो भाई हैं। दो बहन कौन सी हैं? एक लक्ष्मी जी और एक ज्येष्ठा, जिसको हम दरिता भी कहते हैं। और दो भाई हैं, दाता और विधाता। और चारों जिद्दी हैं, ध्यान देना, चारों जिद्दी हैं। जो जिद पकड़ ली तो करनी है। अब घूमने की भी जिद कर रहे थे, घूमने की जिद विष्णु भगवान ने पूरी कर दी। अब जैसे विष्णु जी लक्ष्मी जी को बद्री का आश्रम लेकर गए, ओ हो हो, लक्ष्मी जी ने जैसे बद्री का आश्रम देखा और वहां की शांति देखी, बड़े बड़े उपवन देखे, जहां पर बड़े बड़े हिंसक जीव भी शांत प्रवृत्ति में घूम रहे थे, बोले श्री हरि, मैं आपसे एक चीज मांगना चाहती हूं। बोले क्या? क्योंकि देखो, जिसकी जेब में लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी चंचल होती है। जो गरीब है बेचारे की इच्छा कुछ होती नहीं, लेकिन जिसके पास पैसा होता है ना, उसके अंदर थोड़ी सी जिद तो होती है। जो चीज समझ में आए वो चाहे कितने ही पैसे लगे खरीद लेती है। अब लक्ष्मी जी विष्णु जी से कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तो ये बद्री का आश्रम चाहिए। अब तुम काम दाम दंड भेद कैसे भी करके मुझे बद्री का आश्रम दिला दो। अब तो विष्णु जी कहते हैं, लक्ष्मी जी तुम्हें पता नहीं, इतनी मुश्किल से तो पार्वती सदमे से उभरी हैं कि उन्होंने सोने का महल बनवाया था तो वो रावण ने ले लिया। अब मैं मांगूंगा तो ना जाने मुझे भस्म कर देंगे। लेकिन लक्ष्मी कहां मानने वाली थी, जिद करके बैठ गई। बोले ठीक है, मैं कुछ कोशिश करता हूं। अब तो श्री हरि और लक्ष्मी जी वापस अपने बैकुंठ में गए, लेकिन जिद करती रही कि मुझे बद्री का आश्रम चाहिए। अब तो विष्णु जी ने क्या किया, एक छोटे से बालक का रूप बनाया। किसका रूप बनाया? छोटे से बालक का। और बद्री का आश्रम के बाहर जाके जोर जोर से रोने लगे, जोर जोर से रुदन करने लगे। अब भोले बाबा तो अंतर्यामी है, समझ गए कि बाहर कौन आया है। विष्णु जी आए हैं बालक के रूप में, लेकिन पार्वती नहीं समझ पाई। अंदर से कहती है, प्रभु कोई बालक रो रहा है बाहर। शिवजी कहते हैं रोने दो, शिवजी कहते हैं रोने दो। बोले कैसे हो प्रभु, बालक रो रहा है, तुम कहते हो रोने दो, मैं उसे चुप कराने जाऊंगी। अब भोले बाबा कहते हैं चुप मत कराना, नहीं हमें रोना पड़ जाएगा। उसे चुप मत कराना, नहीं तो हमें रोना पड़ जाएगा, समय आ जाएगा रोने का। नहीं मानी। बोले प्रभु मुझे उसको रोते हुए देखकर दया आ रही है, देखो कितना सुंदर बालक है, मेरा मन करता है उसे मैं गोद में ले लूं। अब तो भोले बाबा कहने लगे, रही पार्वती भूल के भी उसे गोद मत लेना, भूल के भी उसे गोद मत लेना। क्या तुम्हें पता नहीं, जिसको गोद में लेते हैं वो प्रॉपर्टी का हकदार बन जाता है। जिसको गोद लेते हैं वो प्रॉपर्टी का हकदार बन जाता है, इसे गोद तो बिल्कुल मत लेना। बोले नहीं प्रभु, इतना सुंदर बालक और रोता हुआ अच्छा नहीं लगा, मैं चुप करा के मैं फिर वापस वहीं पे छोड़ दूंगी। अब पार्वती भी जिद की पक्की, नहीं मानी। जैसे ही बाहर गई बद्री का आश्रम से, वो बालक जोर जोर से रोने लगा। अरे बेटा चुप हो जा, चुप हो जा। लेकिन वो बालक चुप कहां होने वाला, बालक भी जिद्दी होते हैं, मुझे तो ये आइसक्रीम दिलाओ, नहीं दिलाओगे तो और ज्यादा रोएगा। बालक भी जिद्दी। बोले बेटा चुप हो जा, चुप हो जा। चुप करते करते गोद में ले लिया, ले आधा काम तो विष्णु भगवान ने कर दिया। अब तो गोद में आते ही और जोर से रोने लगा। पार्वती कहती है, अरे बेटा क्या चाहिए बता तो सही, क्या चाहिए तुझे? छोटा सा बालक रोते रोते कहता है, जो मांगूंगा वो दोगी?
जो मांगूंगा वो दोगी? बोले हाँ। हर कोई कहता है चुप तो हो जा, जो होगा देखा जाएगा, दे दूंगी। बोले जो मांगूंगा वो दोगी? बोले बिल्कुल दूंगी, चुप हो जा। बोले मुझे ये बद्री का आश्रम चाहिए, मुझे ये बद्री का आश्रम चाहिए। अब वो सोची कि शायद मजाक कर रहा है, बालक ही तो है, क्या करेगा बद्री का आश्रम का। अंदर ले आई, बिल्कुल शांत और अब मुस्कुराने लगा। बोले देखो जी, मैंने इस बालक को चुप करा दिया। बोले कैसे चुप कराया? बोले रोते रोते कह रहा था मुझे बद्री का आश्रम चाहिए। बोले क्या क्या? बोले मैंने हां कर दी। बोले अब तो चल वापस कैलाश। अब जब दे ही दिया, बोले बालक ही तो है, मांग रहा था, तो मैंने कहने में क्या फर्क पड़ता है? बोले कहने ही तो सब कुछ होता है। अब जैसे ही उस बालक को अंदर लाए, भोले बाबा ने कहा चल पार्वती अपना झोला था आप संभाल, चलते हैं कैलाश पे। अब पार्वती सोच रही कि शायद भोले बाबा मजाक कर रहे हैं, घूमने का मन कर रहा होगा, चलो हो जाते हैं कैलाश पे। जैसे ही पार्वती जी और भोले बाबा गए और कैलाश पर्वत पे कुछ समय बिताया, फिर पार्वती का मन किया भोले बाबा चलो अपने बद्री का आश्रम में चलते हैं। बोले अपना कहाँ है अब, अपना कहाँ है अब? तो वो चला गया। बोले ऐसे कैसे चला गया, तुम चलो मेरे साथ। अब तो पार्वती जी भोले बाबा के साथ बद्री का आश्रम पे आई तो क्या देखा, पट बंद थे। बोले ये मेरे मकान में दरवाजे बंद है और अंदर इसका मतलब कोई है? जैसे आवाज मारी लगता है वो बालक होगा, जैसे खटखटाया आवाज मारी, अरे बालक दरवाजा खोलो, बालक दरवाजा खोलो। अब बालक हो तो दरवाजा खोले। एक बार बोली, दो बार बोली, कई बार बोली, लेकिन जब दरवाजा नहीं खुला, अब तो पार्वती जी को क्रोध आने लगा। बोले दरवाजा खोलते हो या मैं यही की यही बद्री का आश्रम को भस्म कर दूं। हाथ में जल ले लिया और प्यारे जैसे जल लिया दरवाजा अपने आप खुल गया। जैसे दरवाजा खुला तो क्या देखा, सामने श्री हरि विष्णु भगवान। बोलिए विष्णु भगवान की। अब प्यारे पार्वती जी हैरान कि आप, इतने में देखा लक्ष्मी जी भी आ गई अंदर से। कहने लगे ये बद्री का आश्रम तो हमारा है। बोले अब तुम्हारा नहीं, अब ये हमारा है, क्योंकि आपने हमें ये दे दिया है। अब तो जो सदमा लंका देने पर लगा था प्यारे, वही बद्री का आश्रम देने पर लगा। और कोई अगर बद्री का आश्रम गया हो तो उनको पता होगा कि वहां भी विष्णु, श्री हरि विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की मूर्ति साथ साथ नहीं है। लक्ष्मी जी की मूर्ति, विष्णु जी की मूर्ति मंदिर में है और लक्ष्मी जी की मूर्ति बाहर है, क्योंकि उनको श्राप लगा था पार्वती जी का कि अब तुम साथ नहीं रहोगे। और आज भी वहां पर चने की दाल चढ़ाई जाती है बद्री का आश्रम में, अब मंदिर में नहीं, मंदिर के बाहर चढ़ाई जाती है। इसलिए प्यारे हम आपसे बार बार कहते हैं कि किसी चीज पर इतना स्नेह मत रखो कि त्यागने पर उसको तुम्हें दुख हो, दर्द हो। और ये शिव कथा इसीलिए हो रही है कि प्यारे तुम्हारे जितने भी दुख दर्द ताप संताप रोग आदि व्याधि हो, वो कथा सुनकर उसकी निवृत्ति हो जाए और प्यारे वो ताप संताप मेरा शिव भगवान उसका हरण कर ले और तुम्हारे घर में सुख शांति रहे, कारोबार में बरकत करे। और प्यारे ये शिव कथा आप सभी के सहयोग से हो रही है और 17 तारीख को श्री शिव महापुराण का संपूर्ण हवन होगा और उसके बाद भंडारे में जैसा आपका सहयोग हो, क्योंकि ये भंडारे का जो अन्नदान होता है ये बहुत बड़ा दान माना गया है कि अपना पेट भरने के लिए तो सब जीते हैं, अपना पेट भरने के लिए तो सब जीते हैं, लेकिन प्यारे कभी सेवा दूसरों के लिए भी करके देखो। जो हम किसी गरीब को भोजन कराते हैं ना, कभी उनके चेहरे को देखना,
कोई भूख से व्याकुल आदमी जा रहा हो और उसे जब तुम कुछ खाने की चीज देते हो और वो खाने के बाद जो मुस्कुराता है ना प्यारे, वो नहीं मुस्कुराता, उसके चेहरे के अंदर मेरे भोले बाबा मुस्कुराते हैं कि प्यारे आपने किसी को अन्न दान किया है। और प्यारे जो आप भंडारे में सेवा करते हो, ना जाने कितने सैकड़ों आदमी वो भंडारा खाते हैं, और कई ऐसे भी होते हैं जिनको उस समय भोजन की आवश्यकता होती है और जब उनको वो भंडारा दिखता है तो विश्वास मानो उनके मन से कई दुआएं निकलती हैं, और जब वो खा के प्रसन्न होते हैं तो जिस भंडारे में उसकी सेवा लगी होती है, चाहे वो 10 की हो, 50 की हो, 100 की हो, 1000 की हो, चाहे कितने की हो, उसको उस सेवा का फल अवश्य मिलता है। कि तुम जब अपने भाग्य का दूसरों को खिलाते हो तो प्यारे दूसरों को भाग्य का तुम्हें अपने आप मिलना चालू हो जाता है, तुम्हारे घर में भंडार भरने चालू हो जाते हैं। इसीलिए जो भी भंडारे में सेवा करना चाहे, चाहे नगद राशि के रूप में, चाहे सम्मान के रूप में, वो लता दीदी को सेवा अवश्य लिखवाएं, क्योंकि ज्ञान की गंगा के साथ में जब आप सेवा की ज्ञान गंगा में भी सहयोग करते हैं तो विश्वास मानो आप महान यज्ञ में अश्वमेध यज्ञ के में सम्मिलित हो रहे हैं और इसका फल पीढ़ियों तक को भी मिलता है। कि एक होटल में लिखा था आप खाओगे बिल आपके पोते भरेंगे, आप खाओगे बिल आपके पोते भरेंगे। एक व्यक्ति ने होटल में वो बोर्ड पढ़ा, बड़ा खुश हुआ कि हम खाएंगे बिल हमारे पोते भरेंगे। होटल में गया, खूब सारा ऑर्डर किया और जैसे खा के जाने लगा उसके सामने वो बिल आ गया। उसने कहा भैया तुमने तो लिखा है कि आप खाओगे बिल आपका पोता भरेगा। बोले बिल्कुल सही लिखा है। बोले तो ये बिल कैसा है? बोले ये बिल आपका नहीं है, आपके दादाजी खाकर गए थे, ये वो वाला बिल है। सज्जनों कहने का भाव क्या है, जो आप आज कर्म कर रहे हैं उसका बिल आपके बच्चों को, आपके पोतों को भरना पड़ेगा। अगर सत्कर्म का बीज बोया है तो सुख के रूप में बिल भरेंगे, और अगर झूठ बोला है, बेईमानी की है, किसी को कष्ट पहुंचाया है तो प्यारे दुख के रूप में तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे पोतों को भुगतना पड़ेगा। ये सच्चाई है। इसीलिए आप चाहते हो कि हमारे बच्चों को सुख मिले, हमारे परिवार को सुख मिले, तो प्यारे अपना आज का प्रारब्ध ही सुधार लो, कल पे मत छोड़ो। अच्छा काम कभी भी करना हो उसे तुरंत कर डालो, और बुरा काम करना हो उसे टालते रहो, टालते रहो, टालते रहो। लेकिन इंसान क्या करता है, बुरे काम तो जल्दी कर लेता है। इधर देखता है कोई देख तो नहीं रहा, इधर देखता है कोई देख तो नहीं रहा, आगे पीछे भी देखता है कोई देख तो नहीं रहा, लेकिन ऊपर देखना भूल जाता है। प्यारे आपका कैमरा ऑफलाइन हो सकता है लेकिन भोले बाबा का कैमरा हमेशा ऑनलाइन रहता है। एक एक कर्म का हिसाब मेरे भोले बाबा के पास में है। इसीलिए प्यारे अपने कर्मों को हमेशा सत्कर्म में बदल लो। और ये भागवत कथा, शिव कथा, देवी कथा से बढ़कर कोई सत्कर्म है ही नहीं, क्योंकि आप शिव जी की लीलाओं का वर्णन अपने कानों के छिद्रों द्वारा श्रवण कर रहे हैं और अपनी नेक कमाई से जो शिव कथा में सेवा करते हैं, विश्वास मानो उसे अश्वमेघ की सेवा का फल प्राप्त होता है। तो आइए बड़े भाव से भोले बाबा को अपना बनाते हुए कहते हैं, शिव कथा में अगर संकीर्तन भी होता है तो उसमें भोले बाबा भी प्रसन्न होते हैं। तो कौन कौन भोले बाबा को अपना मानता है जरा एक बार हाथ उठाएंगे। 1100 रुपए नरेला से शिव कथा में भंडारे में सेवा आई है, इनके लिए जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे। भगवान जो जिस भाव से शिव कथा में, भंडारे में या किसी भी रूप में सेवा करता है, विश्वास मानो भगवान उसके भंडार भरने में देर नहीं लगाता। तो आइए जो भगवान को अपना मानते हैं, अपना बनाना चाहते हैं, वो अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि सभी देवी देवता पल्ला झाड़ के देते हैं
लेकिन मेरे भोले बाबा छप्पर फाड़ के देते हैं, और जिसको छप्पर फाड़ के मेरे भोले बाबा का प्रसाद चाहिए वो अपने स्थान पे खड़े होकर हाजिरी अवश्य लगवाएंगे और यही कहेंगे, सभी देवता देते हैं भाई पल्ला झाड़ के, सभी देवता देते हैं भाई पल्ला झाड़ के, मेरा भोला बाबा भोला बाबा जब भी बेटा छप्पर फाड़ के सभी देवता देते भैया पल्ला झाड़ के, सभी देवता भैया पल्ला झाड़ के, भोला बाबा छप्पर फाड़ के तीन लोग के मालिक है ये महिमा परंपार है तीन लोग के मालिक है ये महिमा परंपार है बात किसी से छुपी नहीं है ये सच्चा दरबार है, नीलकंठ पर बैठे अपने झंडा गाड़ के भोला बाबा जब भी देता छप्पर फाड़ के सभी देवता देते भैया पल्ला झाड़ के, सभी देवता देते भैया पल्ला झाड़ के, मेरा भोला बाबा भोला बाबा जब भी देता छप्पर फाड़ के भगत ने रोटी मांगी खुल गई तुरंत दुकान रे एक भगत ने कुटिया मांगी मिल गया तुरंत मकान रे लाख मुसीबत देते हैं जड़ से उखाड़ के, लाल मुसीबत देते हैं जड़ से उखाड़ के, भोला बाबा जब भी देखा छप्पर फाड़ के एक लाज की बात बताओ भोले को अपना लो तुम एक लबे की बात बताओ भोले को अपना लो तुम इनकी भक्ति करके तुम अपना काम बना लो तुम गलती मत कर देना तुम इससे बिगाड़ के, गलती मत कर देना तुम इससे बिगाड़ के भोला बाबा जब भी देखा छप्पर फाड़ के सभी देवता देते भैया पल्ला झाड़ के, सभी देवता देते भैया पल्ला झाड़ के, मेरा भोला बाबा भोला बाबा जब भी देखा छप्पर फाड़ के देखो एक बार हाथ उठाएंगे यही कहेंगे, मैं तो कहूँ रे बजा कर ढोल भोला मेरा है, कोई कहे गोरा, कोई कहे गला, कोई कहे
मेरा कोई कहे मेरा ये भी कहे मेरा वो भी कहे मेरा ये भी कहे मेरा मेरा वो भी कहे मेरा जाए। ओम नमः पार्वती पते हरे।